गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आप सबको एकदम प्यार भरा नमस्कार। सब लोग कैसे हो? क्या सब मुझे सुन पा रहे? क्या बड़ा फटाफट बताइए, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या यस यस यस, चलो बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो बड़े फटाफट सब बच्चे ऑनलाइन आ जाओ। ओके चलो बेटा जी, माइक प्रॉपर बेटा जी, माइक एकदम प्रॉपर है, सब एकदम बढ़िया है, सब एकदम बढ़िया है। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। देखिए हम लोग फास्ट ट्रैक में अपना बड़ा टॉपिक चालू था सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। उसमें सेंट्रल टेंडेंसी के जो पांचों टाइप बेटा अपने कवर हो चुके थे, उसके सम भी हो चुके थे। ओके और बेटा जी साथ में देखिए, यस बेटा, जो बेटा मतलब क्या बोलते हैं, जो बेटा मतलब ईयरफोन सुन रहे हो, बस एक ही इसमें साउंड आ रहा होगा, उतना एडजस्ट कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और बेटा जी देखिए, उसके अलावा आपको ये बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लास्ट टाइम लिखवा के दी थी। मुझे ईमानदारी से बताइए कि सब बच्चों ने अपना लास्ट लेक्चर अटेंड किया था क्या? एक मिनट मुझे बस फाइल लेने दो। यार क्या हो रहा है, पीडीएफ, यस यार बेटा, सबके बेटा एग्जाम बाकी थे, बता रहा सर बता रहा। एक मिनट फर्स्ट फाइल ओपन कर दो बेटा। अभी को सुनो, अभी क्या करेंगे, आज का अपना डिस्कशन पॉइंट बता रहा हूँ। आज अपने को ना पूरा सेंट्रेटिव में जितने भी प्रॉपर्टी थे, सब प्रॉपर्टी उसका डिस्कशन एग्जाम्पल, डिस्कशन एग्जाम्पल बेटा सब खत्म करना बेटा जी। हमें सेंट्रेटिव से एकदम पूरा थोरोली अच्छे से आज हमें खत्म करना है। क्या सब रेडी है? मैं लास्ट टाइम बताया था बेटा जी, आज का अपना लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर रहेगा, कम से कम 2.5 से लेकर 3 घंटा लेक्चर रहेगा, तो प्रिपेयर करो आज आप। चलिए तो ये बेटा आगे अपने सम आगे, ये अपने सम आगे, ने सम का सेक्शन निकाला है, राइट। अब बेटा शुरू कर रहे हो, ठीक है, यस बेटा। आज सेंटेंस ही पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा 100% खत्म हो जाएगा बेटा, और टाइम परमिट करेगा हम डिस्कशन भी शुरू करेंगे आज, ठीक है। चलिए एक काम करेंगे, जो बच्चे लास्ट लेक्चर में थे, आपने मैंने आपको प्रॉफिट लिखवा के दिया था बेटा जी, फटाफट सब बेटा प्रॉफिट अपने सामने रखो, ईमानदारी सामने रखो प्रॉफिट बेटा जी। ओके प्रॉफिट सामने रखो, और जो एक काम करो, आप में से कोई भी एक दो बच्चे बेटा एक काम करो बच्चों, आप में से बेटा कोई भी एक दो बच्चे एक काम कीजिए, ये जो प्रॉपर्टीज है इसका जो लिखवाया था इसका फोटो बेटा आपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करो, प्रॉपर्टी का फोटो टेलीग्राम ग्रुप शेयर करो, तो सो दैट जो बच्चे लास्ट सेक्शन नहीं थे उनके पास भी ये रहेगा सामने, यस। चलो मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। नालायक अगर याद होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम देन मीन मीडियन मोड क्या होता है, सेम। एग्जाम्पल लेते बेटा जी, नंबर लेते 5 5 5 5 5,
ये पांच पंजे मेरे पास है, अब बताओ इसका मीन भी क्या होगा? कि सभी नंबर सेम है तो मीन भी क्या होगा? पांच। मीडियन भी क्या होगा? पांच। और मोड भी क्या होगा? पांच। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? इफ ऑल नंबर्स आर सेम, इफ ऑल नंबर्स आर सेम देन मीन मीडियन मोड आर ऑल्सो सेम। इफ ऑल नंबर्स आर सेम देन मीन मीडियन मोड आर ऑल्सो सेम। मैं कह रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप बेटा ऑफ भी रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर ध्यान देंगे सब लोग बेटा, यहां पर ध्यान देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इफ ऑल नंबर आर सेम देन मीन मीडियन मोड ऑल आर सेम, सभी बच्चे सेम होते हैं। क्लियर बच्चों? फर्स्ट प्रॉपर्टी मान लो, इस पे एग्जांपल एग्जाम क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मीन सेवन है, मीडियन सेवन है, तो मोड क्या होगा? मीन सेवन है, मीडियन सेवन है, तो मोड भी क्या होगा? सेवन ही होगा बेटा जी, यस और नो। प्रॉपर्टी सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड में मैंने क्या लिखवा के दिया था? सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अबाउट अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जीरो। अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देना चाहूंगा बेटा, एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर से 2, 4, 6, 8 नंबर है, 2, 4, 6, 8 नंबर है मेरे पास है, राइट ना बेटा? इसका पहले मीन निकालते हैं। मीन कैसे करेंगे? सबका पहले एडिशन करो बेटा जी, सबका एडिशन कितना आएगा? 20। अपन नंबर कितने? 4। 20 बाय 4 कितना आएगा? 5। सबका एडिशन कितना 4 है? 20। डिवाइड नंबर कितने आएंगे? 4। 20 बाय 4 5 आ रहा है, मैंने सबका मीन निकाला। अब एक काम करो, अब सभी नंबर में से मीन मतलब 5 को लेस करो, अब सभी नंबर में से मीन मतलब 5 को लेस करो, देखते क्या होता है। सब में से मीन मतलब 5 को लेस करो, 2 माइनस 5 कितना आ रहा है? -3। 4 माइनस 5 कितना आ रहा है? -1। 6 माइनस 5 कितना आ रहा है? 1। 8 माइनस 5 कितना आ रहा है? 3। आपको समझा नहीं क्या क्या? मैंने पहले सभी नंबर में से मीन को लेस किया, सभी नंबर में से मीन को लेस किया। अब एक काम करो, इन सबका बेटा एडिशन करो, बोलो सबका एडिशन करो, बोलो कितना आएगा बताओ? सबका एडिशन करो, +3 -3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, सम कितना आ रहा है? 0। तो सभी नंबर में से अगर आप मीन को लेस करते हो और सबका सम करते हो तो सम कितना आता है? 0। यही बच्चा जी अपना प्रॉपर्टी सेकंड बोल रहा है। अब मैं जिस तरह से प्रॉपर्टी पढ़ता हूं और शो करता हूं, प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोल रहे? सम ऑफ किसका सम है? डेविएशन का। बेटा डेविएशन का मतलब क्या है? डिफरेंस। सम किसका सम? डेविएशन का, डिफरेंस का। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ जो डिफरेंस है, सभी ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ जो डिफरेंस है, मीन के साथ जो डिफरेंस है उसका सम हमेशा क्या होता है? 0। तो ये प्रॉपर्टी क्या बता रहा है? अगर सभी नंबर में से मीन को लेस करते हो, अगर आप सभी नंबर में से मीन को लेस करते हो और सम क्या, तो सम कितना आता है? 0। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन क्या होता है? 0। अब एक काम करते, इस प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पल देंगे बेटा। अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, आज मैं बता रहा हूं, आज आपको 2 घंटा कुछ भी लिखने का नहीं, बस सुनते जाना बेटा जी, मैं जो बता रहा हूं। मैं बाद में आपको फोटो निकालेंगे, मौका दूंगा बेटा जी लिखे, आज मैं बहुत बातें सिखाने जा रहा हूं, आपको ध्यान दे लिखने का नहीं। अब एक काम करो, इसके लिए क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था देखिए। अब एक काम करो, अब ये क्वेश्चन देखिए, कहां पे गया रे क्वेश्चन? हाँ यस, क्वेश्चन 17। चलिए सब बच्चे क्वेश्चन 17 को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ो क्वेश्चन 17 पढ़ लो अच्छे से, देखो क्या बोला है, पढ़ो आराम से। मीनिंग समझो, ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ऐसे एग्जाम से थ्योरी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशन, 15, 20, 25, 15, 20, 25, तीन बेटा ऑब्जर्वेशन है, तीन नंबर है बेटा, ओके तीन बच्चों पर ऑब्जर्वेशन है, तीन बच्चों नंबर है, और क्या बोला है? सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन, सम क्या पूछा है? सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन। आपको पता है यार, नंबर कुछ भी रंदो, नंबर भले 15, 20, 25 हो, नंबर भले 7, 8, 10, 25 हो, नंबर कुछ भी हो, अगर सभी ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ अगर डिफरेंस लेते हो और उसका सम करते हो तो सम हमेशा कितना होगा? 0। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन क्या होता है? 0। यही तो अपना प्रॉपर्टी सेकंड है, खत्म,
सबको जी मानना लायक, तो प्रॉपर्टी सेकंड पे क्वेश्चन कैसे बनता क्लियर बेटा जी? तो इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी सेकंड। आयो बेटा सब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा सबको, कोई मुश्किल है क्या? बस कंसेप्ट क्लियर चाहिए। आगे बढ़ू। अब प्रॉपर्टी थ्री, प्रॉपर्टी थ्री उसको बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी थ्री में क्या बोला है? प्रॉपर्टी थ्री में क्या बोला है? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इस मिनट दोबारा बता रहा हूं, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट मीडियन। बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। अब देखो बच्चों, मैं कोई बेटा प्रॉपर रटवाऊंगा नहीं बेटा जी, मैं हर एक का मीनिंग बताऊंगा, हर एक का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। अगर एग्जाम्पल देकर समझोगे ना, आपको दिमाग में जाएगा बेटा जी, ओके? अब बच्चों देखिए, अभी क्वेश्चन देखिए, इसको समझेगा अच्छे से। दो, चार, पांच, चार, सात, ये कुछ नंबर है मेरे पास, ये कुछ नंबर से। अब जो बोलो प्लीज सुनो अच्छे से बेटा। अब एक काम करो, सबसे पहले इन सभी नंबर का मीन निकालो बेटा, फिर इसका आप क्या करो, मीडियन निकालो। एक रुक, थोड़ा सा मॉडिफाई करते, ठीक है बेटा? पहले काम मीन निकालो बेटा। मीन बेटा कैसे निकाले बेटा? मीन कैसे निकाले? सबका सम करो बेटा जी, सबका सम कितना रहा बोलो? दो और दो चार, और चार आठ, और पांच तेरह, सात बीस, अपन नंबर कितने? पांच। अरे यार फिर से सेम आ गया, ये नंबर नहीं चाहिए था अपने को। एक काम करो, थोड़ा सा नंबर थोड़ा मॉडिफाई करते, 12 लो यहां पे। अब सबका सम करो, सबका सम करो, दो दो चार, चार और चार आठ, और पांच तेरह, दो बारह पच्चीस, 25 पांच, मीन पांच आ रहा बेटा। फिर सबका मीडियन निकालो, मीडियन कैसा आएगा बेटा? सबका मीडियन कितना है? मीडियन कैसा आएगा? मिडिल मोस्ट वैल्यू, फर्स्ट लास्ट छोड़ दो, सेकंड सेकंड छोड़ो, मिडिल में कितना आ रहा है? चार, पर मीडियन चार आ रहा है क्या? और मोड का मतलब क्या है? वैल्यू हैविंग मैक्सिमम रिपीटेशन, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? टू, तो मोड टू है। समझा मैंने क्या क्या? मैंने हर एक का क्या निकाला? मीन निकाला, फिर मैंने क्या निकाला? मीडियन निकाला, फिर क्या निकाला? मोड निकाला। अब क्या करेंगे सर? एक काम करो, आप सभी नंबर में से मीन लीजिए बेटा, सभी नंबर में से मीन को लेस करो। सुना रहा हूं बेटा, सभी नंबर में से मीन को लेस करो। मीन मतलब क्या करेंगे? पांच को लेस करो। सभी नंबर में से मीन मतलब पांच को लेस करो। दो माइनस पांच माइनस तीन, दो माइनस पांच माइनस तीन, चार माइनस पांच माइनस एक, पांच माइनस पांच जीरो, बारह माइनस पांच सात, सब में से बेटा मीन को लेस किया, फिर इसका आप लीजिए मोड, इसका लीजिए मोड, सॉरी मोड। मोड का मतलब क्या है? मोड इज द पॉजिटिव कन्वर्टर। ऐसे दो लाइन निकालते बेटा जी, इसका मतलब क्या? मोड, एमओडी मोड, मोड इज अ पॉजिटिव कन्वर्टर। हमने सभी नंबर में से मीन को लेस किया, फिर सबका क्या लेंगे? मोड। मोड के लिए क्या करेंगे? माइनस का क्या करेंगे? प्लस। मोड के लिए माइनस का क्या करेंगे? प्लस। और अभी सम करो, तीन और तीन छह, छह और एक सात, सात में फोर्टीन। मैंने क्या किया? सब में से मीन को लेस किया, उसका मोड लिया, और फिर सबका सम किया। सम कितना बेटा? 14 आ रहा है। कोई तकलीफ इसमें? अब एक काम करो, सभी नंबर में से आप मीडियन को लेस करो। आप एक काम करो, सभी नंबर में से बेटा आप मीडियन को लेस करो। सभी नंबर मीडियन मतलब कितना? चार को लेस करो। दो माइनस चार माइनस दो, दो माइनस चार माइनस दो, चार माइनस चार जीरो, पांच माइनस चार एक, बारह माइनस चार आठ। आपको समझा मैं क्या करो बेटा जी? मैं सभी नंबर में से मीडियन मतलब चार को लेस करो। दो माइनस चार माइनस दो, दो माइनस चार माइनस दो, चार माइनस चार जीरो, पांच माइनस चार एक, बारह माइनस चार आठ, सब में से मैंने मीडियन को लेस किया। अब इसका बेटा मॉड लीजिए, मॉड में क्या करेंगे? माइनस क्या क्या करेंगे? प्लस। बेटा मॉड में माइनस क्या क्या करेंगे? प्लस। दो और दो चार, चार और एक पांच, पांच और आठ तेरह। हम क्या करेंगे? सभी नंबर में से मीडियन को लेस करेंगे, हम सभी नंबर में से मीडियन को लेस करेंगे और उसका मॉड लेंगे। मॉड लेके सम किया, कितना? 13 आ रहा है। अब एक काम करो, सभी नंबर में से
मोड को लेस करो, मोड टू है, टू माइनस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो, चार माइनस दो दो, पांच माइनस दो तीन, बारह माइनस दो दस। हमने सब में से क्या किया, मोड को लेस किया, सब में से बेटा मोड को लेस किया, फिर इसका क्या निकालेंगे बेटा जी, मॉड निकालेंगे। मॉड माइनस का प्लस होता है, सम करो कितना आ रहा है, सम 15 आ रहा है। सर ये चल क्या रहा है, अब ध्यान से क्या भी जो मज्जा बताने जा रहा बेटा, मैंने क्या किया, सब में से मीन को लेस किया, मॉड निकाला, सम किया, सब में से मीडियन को लेस किया, मॉड निकाला, सम किया, सब में से मोड को लेस किया, मॉड निकाला और सम किया। और जब ये सभी सम के ना, मुझे नजर आया, मुझे नजर आया कि भाई साहब ये सम मीडियन के लोएस्ट आ रहा है, मीन के लिए कितना सम आ रहा है 14, मीडियन के लिए सम कितना आ रहा है 13, और मोड के लिए कितना आ रहा है 15। ये सम बेटा जी लोएस्ट किसके लिए आ रहा है, मीडियन के लिए। ये सम बेटा जी मीडियन के लिए क्या आ रहा है, लोएस्ट आ रहा है। अब एक काम करना, प्रॉपर्टी थ्री में जो मैंने लिखवा के दिया उसको निकालो बेटा जी, प्रॉपर्टी थ्री में जो लिखवा के दिया उसको निकालो। अब मैं जिस तरह से प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान दो बेटा जी। अब देखो प्रॉपर्टी थ्री, जैसे मैं पढ़ रहा हूं और लिखवा के दे रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं, क्या बोलता है प्रॉपर्टी थ्री, सम ऑफ किसका सम, सम ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब मॉड। सम ऑफ किसका सम है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन of all observation is minimum when taken about median। ये क्या बोलता है, आप मीन के साथ एब्सोल्यूट डेविएशन लो, मोड के साथ एब्सोल्यूट डेविएशन लो, मीडियन के साथ एब्सोल्यूट डेविएशन लो, बड़े सम किसके लिए लोएस्ट है, मीडियन के लिए। तो प्रॉपर्टी क्या बता, दोबारा बता रहा हूं, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम, ये सबसे लोएस्ट कब आएगा, व्हेन टेकन अबाउट मीडियन। अब बोले मीन के साथ लो, मीडियन के साथ लो, मोड के साथ, बट एब्सोल्यूट डेविएशन लोएस्ट किसके लिए आएगा, मीडियन के लिए। अभी समझा कर नाला किस प्रॉपर्टी का मतलब, अब क्लियर है क्या, इसे एग्जाम्पल से प्रॉपर समझने का, रट्टा नहीं मारने का, दोबारा बता रहा हूं। प्रॉपर्टी सेकंड क्या बता रहा था, सम ऑफ डेविएशन, प्रॉपर्टी सेकंड क्या होता है, सिर्फ डेविएशन करेंगे उसका सम मीन के लिए जीरो आता है, सिर्फ डेविएशन, सिर्फ डिफरेंस का सम मीन के लिए जीरो आता है। बट प्रॉपर्टी छह तीन क्या बता रहा है, ये सभी डेविएशन का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू अगर पॉजिटिव निकालेंगे, ये मीडियन के लिए क्या आता है, लोएस्ट होता है। क्या सबको झेपा, क्या कोई तकलीफ इसमें, ये हो गया प्रॉपर्टी थ्री का एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर्टी वन हो गया, प्रॉपर्टी टू हो गया, थ्री बार रिवाइज करते, बोलो प्रॉपर्टी वन में क्या बोला, If all observations are same, then mean, median, mode all are same. अगर सभी नंबर क्या होता है सेम, देन मीन मीडियन मोड ये सभी सेम होते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोलता है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम वेन टेक, सॉरी सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन क्या होता है, जीरो, अबाउट मीन सम जीरो होता है। प्रॉपर्टी बेटा जी थ्री क्या बोलता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट, व्हेन टेकन अबाउट मीडियन। सबको झेपा ना लाइक, कि सभी से कंफर्टेबल है, एकदम आराम से चिल मार के सबको झेपा, क्या मैं आगे बढ़ सकता बेटा जी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, यस। ये हो गई तीन प्रॉपर्टी, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रॉपर्टी फोर। प्रॉपर्टी फोर में आता है अपना कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टी फोर में क्या है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टी फोर में कंबाइंड अरिथमेटिक मीन बेटा जी, प्रॉपर्टी फोर क्या बता रहा है, मुझे ईमानदारी से बताओ, ये पहले जो दो सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी थे, ये पहले आपने पढ़े थे क्या, बोलो इसके पहले जो मुझसे बड़े फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बोलो प्रॉपर्टी सेकंड थर्ड पहले आपने पढ़ा था क्या, पहले पढ़ा हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा जी, मुझे प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर पढ़ा समझ में आ रहा है बेटा आपको। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। मान लीजिए मेरे पास दो ग्रुप है, चलो वेरी गुड, जिन बच्चों पहले पढ़ा अच्छी बात है बेटा, बट जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा था आपको समझ में आ रहा है क्या,
जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मतलब कुछ नया ज्ञान मिल रहा बेटा जब अपने को, हमेशा न्यू नॉलेज हमेशा अच्छा रहता है। यस चलो बेटा, तो देखो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी फोर बेटा बता रहा हूँ, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। मानो मेरे पास दो ग्रुप है, फर्स्ट बेटा ग्रुप में N1 बेटा, फर्स्ट बच्चों ग्रुप में N1 ऑब्जर्वेशन है, सेकंड में N2 ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट का बेटा मीन X1 बार है, सेकंड का मीन क्या है X2 बार है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट में बेटा N1 बच्चों ऑब्जर्वेशन है, सेकंड में बेटा N2 ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट का मीन X1 बार है, सेकंड का मीन X2 बार है। अगर बेटा हमने दोनों ग्रुप को कंबाइन किया, अगर मैं दोनों ग्रुप को कंबाइन किया, अगर इस कंबाइंड ग्रुप का मीन निकालते, अगर मैं वन और टू को हमने कंबाइन किया, अगर मैं इस कंबाइंड ग्रुप का बेटा मीन निकालते, तो इस कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, इस कंबाइंड बेटा मीन का फॉर्मूला होता है N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। अगर मैं दो ग्रुप है, पहले में N1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे बच्चों N2 बच्चों ऑब्जर्वेशन है, पहले का मीन X1 बार है, दूसरे बच्चों मीन X2 बार है, अगर दोनों मिला के बेटा कंबाइंड ग्रुप का बेटा मीन निकालना है, तो X12 बार का फॉर्मूला क्या आता है, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। इट इज फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन। एकदम आराम से बेटा चिल मार के, आराम चिल मार के, इट इज फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन। ठीक है चल बेटा जी, क्लियर है। इसके ऊपर क्वेश्चन करना बेटा अपने को, एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूं बेटा जी, ये जितने बेटा प्रॉपर्टी थे पर लिखना चलेगा क्या, क्या सब लिखेंगे चलेगा? चलो बेटा काम करेंगे, मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट जो भी स्क्रीन पर लिख रहा है बेटा फटा कॉपी कीजिए, नोटबुक में अच्छे से समझ के लिखिए सब प्रॉपर्टीज। बेटा हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसे लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने लिखवा के दिए थे बेटा, बस इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा ये। ओके क्या बात है, वेरी गुड। साथ में पहले से लिख लिया बेटा, जिनको लिखना बाकी लिखो भाई बेटा, कि मैंने पहले लिखने के मना किया था नालायक आप लोगों को, अभी लिखो, चलो लिखो फटाफट लिखो, आपके पास 5 मिनट का समय। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मीडियन एंड मोड।
ठीक है बेटा जी, सबको समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ इसमें? चलो लिख के हो गया सबका। अब बेटा मैं प्रॉपर्टी फाइव बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी फाइव बताने जाऊंगा, राइट। प्रॉपर्टी फाइव में आई थिंक बेटा, प्रॉपर्टी फाइव में मैंने शायद ये लिखा था, बताया था बेटा जी आपको, रिलेशन बिटवीन मीन मिड एंड मोड, वही लिखवाया ना प्रॉपर्टी फाइव में? क्या लिखवाया था शायद से? रिलेशन नहीं, या चेंज ऑफ सेल्स लिखवाया था, पर ये लिख बताता हूँ मैं आपको। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल चेंज ओरिजिन, वो बाद में कराता हूँ, वो प्रॉपर्टी छह में कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल चेंज ओरिजिन में थोड़ा बाद में कराता हूँ, मैं सब नेचर काम को प्रॉपर्टी छह लिखता हूँ। ये प्रॉपर्टी छह थी बेटा जी, रिलेशन बिटवीन मीन मिडियन एंड मोड। प्रॉपर्टी छह पहले करते, प्रॉपर्टी फाइव हम बाद में पढ़ते, ठीक है। प्रॉपर्टी छह, रिलेशन बिटवीन मीन मिडियन एंड मोड, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम तो क्या होता है, मीन मीडियन एंड मोड ये सभी सेम होते हैं। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम तो क्या होता है, मीन मीडियन मोड ये सभी सेम होते हैं, ये पता ना बेटा आपको। नाला क्या रखना, ऐसा डेटा, ऐसा डेटा जहां पे मीन मीडियन मोड ये सभी सेम होते हैं, ऐसा डेटा जहां पे मीन मीडियन मोड सेम होते उसे हम लोग बोलते सिमेट्रिक डेटा। क्या होता है बच्चा लोग? सिमेट्रिक डेटा बोलते हैं। जहां पे सभी क्या होते सेम, उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक डेटा बोलते हैं। और बेटा जी जहां पे ये तीनों सेम नहीं होते उसे हम बोलते हैं असिमेट्रिक डेटा। क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बेटा जी मीन मिडल मोड सभी सेम होते, अब असिमेट्रिक में तीनों अलग होते। अब सवाल उठता है असिमेट्रिक में क्या रिलेशन है? बेटा असिमेट्रिक का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्री इंटू मीन माइनस मीडियन। बेटा किसका बेटा फॉर्मूला है? असिमेट्रिक का। मैं दोबारा बता रहा हूं, सिमेट्रिक में क्या रिलेशन है? मीन मिडियन मोड ये तीनों सेम होते हैं। असिमेट्रिक में क्या है? तीनों सेम होते हैं क्या ना, क्या रिलेशन है? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू क्या है, थ्री इंटू मीन माइनस मिडियन। एग्जाम में क्या करेंगे, तीन में से कोई भी दो देंगे, तीसरा पूछेंगे अगर आपको मीन और मोड दिया है कैन यू फाइंड मीडियन? यस सर। अगर आपको मीन और मीडियन दिया है कैन यू फाइंड मोड? यस सर। एक काम करो बच्चा लोग, फटाफट आप ये प्रॉपर्टी छह का लिखो फॉर्मूला, फटाफट प्रॉपर्टी छह का फॉर्मूला कॉपी करो, फिर इन सबके मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन से एक फ्लो में समझ आ जाएगा बेटा आपको। चलो फटाफट प्रॉपर्टी छह का लिख लो फॉर्मूला, कॉपी करो प्रॉपर्टी छह का फॉर्मूला, समझ कॉपी करना प्रॉपर्टी छह का फॉर्मूला। डन, लिख लिया, वेरी गुड, एकदम पूरी सुपर फास्ट है बच्चे। साउंड बेटा एडजस्ट नहीं हो पाएगा बेटा, साउंड यही सेम रहेगा, साउंड बेटा जी प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा बेटा अपने सिस्टम का साउंड चेंज कीजिए बेटा, लिखा डन। चलो मैं एक्सपेक्ट करो बेटा जिस मैंने लिख लिया आप लोगों ने, अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, अभी मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। सब फोकस करके अच्छे से अब इसके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इन सबके प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब बेटा मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। ये सब बेटा क्वेश्चन नोट्स में बेटा है आपके, राइट ना, जिनको मतलब बेटा जी जो भी आपका नोट्स रहेगा हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जल्दी आपको मिल जाएगा बेटा जी, टेंशन मत लेना, राइट ना। जब तक बुक नहीं मिलता तब तक स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा, कोई तकलीफ की बात नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 वो तो हो चुका था, अभी क्वेश्चन 18 पढ़ते। 18 में क्या बोला है, 18 को आराम से पढ़ो, क्या बोला है? मीन ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 50.6। क्या बोला है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मीन 50.6 है और पूछा क्या है, मीडियन एंड मोड। आप सबको पता है, बोलो बेटा जी रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड सिमेट्रिक में क्या रिलेशन है? सर सिमेट्रिक में क्या होता है? सर सिमेट्रिक में मीन मीडियन मोड तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन अगर 50.6 है तो मीडियन एंड मोड भी क्या होगा, 50.6 होगा, एकदम चिल मार के बेटा। मीन अगर बेटा 50.6 है तो मीडियन मोड भी 50.6 होगा, ऑप्शन सी, एकदम टॉपिक क्लोज, कोई मुश्किल ना लाए, एकदम आराम से चिल मार के सबको झेपा क्या।
अब क्वेश्चन 19, अब 19 में क्या बोला है, डेटा दिया 1447, आपको क्या बोला है ये नंबर क्या है, सिमेट्री के असिमेट्री के, ये नंबर बच्चों क्या बोला है, सिमेट्री के असिमेट्री के बेटा। अब ये बोला सर सभी नंबर अलग है, ये नहीं होता बेटा, सिमेट्रिक क्या बोलता है, मीन मिडिल मोड तीनों सेम आएंगे तो सिमेट्रिक है, मीन मिडिल मोड तीनों बेटा अलग है तो असिमेट्रिक है। अब देखो जो नालायक बेटा असिमेट्रिक बोले, ध्यान सुनना बेटा, इसके पहले काम करो, पहले इसका मीन निकालो, मीन कैसे करेंगे, सबका एडिशन अपॉन नंबर, 1 + 4 5 + 4 9 9 + 4 13 13 + 7 20, अपॉन नंबर कितने 5 बोलो चो 20 / 5 कितना आ रहा है 4, मीन 4 आ रहा है क्या। अब मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन का मतलब क्या है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, फर्स्ट लास्ट छोड़ दो, सेकंड से छोड़ो, मिडिल मोस्ट कौन आ रहा है 4, मीडियन भी 4 आ रहा है क्या। मोड मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, रिपीट बच्चों कौन हो रहा है 4, डेंटेड एंड, तो क्या पे मीन मीडियन मोड तीनों भी सेम आ रहे क्या। हाँ सर, मीन भी 4 है, मीडियन भी 4 है और मोड भी 4 है, अगर ये सभी नंबर क्या होते हैं सेम, सभी नंबर क्या होते हैं सेम, डेटा कौन है बेटा जी सिमेट्रिक है। कॉन्फिडेंस आ रहा नालायक पक्का, तो सबको समझ में आ रहा है क्या प्रॉपर्टी पे सवाल कैसे आते हैं। इफ यहाँ पे डेटा दिया था, आपको पूछा था क्या है, हमने सबका मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, अगर तीनों बेटा सेम आ रहे तो सिमेट्रिक बोलेंगे, और तीनों बेटा अलग आएंगे तो क्या बोलेंगे, हम असिमेट्रिक बोलेंगे, आराम से चिल मार के। अब क्वेश्चन नंबर 20, अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से पढ़ेंगे एकदम आराम से चिल मार के, बोलो बच्चों क्वेश्चन 20 आराम से पढ़िए, एकदम आराम से पढ़े 20 को। इन अ मॉडरेटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोला बेटा असिमेट्रिक, असिमेट्रिक में मीन मोड दिया है 300, मीडियन दिया है 240 और मीन पूछा है, मोड दिया है मीडियन, मीन पूछा है, सम किसका है असिमेट्रिक का, कौन बताएगा मेरे को असिमेट्रिक में क्या रिलेशन है। सर जी असिमेट्रिक में क्या होता है, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इक्वल टू क्या होता है 3 × क्या होता है मीन माइनस मीडियन, बोल ना लाइक असिमेट्रिक में क्या रिलेशन है, मीन माइनस मोड इक्वल टू क्या होता है 3 × क्या होता है मीन माइनस मीडियन। बेटा मैं सबकी वैल्यू पुट कर चलेगा, ट्राई करते हैं, मीन कितना है सर नहीं पता है, मोड कितना है 300 है, 3 एज इट इज, मीन नहीं पता है, मीडियन कितना है 240 है, सबको झेपा करना लायक, मीन नहीं पता है, मोड 300 है, मीडियन 240। अब बेटा सॉल्व करेंगे, कीप दिस पार्ट एज इट इज, 3 से हर एक को मल्टीप्लाई करो, 3 × मीन क्या होता है 3 मीन, 3 × 240 कितना आता है 720। अब मुझे निकालना है क्या है मीन, 3 मीन माइनस मीन क्या होगा 2 मीन यहां पे हो गया, अब लेफ्ट में 720 माइनस क्या क्या होगा प्लस, 720 माइनस 300 420 आ रहा है क्या, तो मीन कितना आएगा 420 / 2 210, डेंटेड एंड हो गया। कोई मुश्किल था क्या बेटा, अगर 3 में से बेटा कोई भी 2 पता है, तीन में से बेटा कोई भी 2 पता है, 3 में से बेटा कोई भी 2 पता है तो इसे निकालना आएगा बेटा, 3 में से बेटा कोई भी 2 अगर पता है इसे निकालना आएगा, अरे बेटा यहां पे हाँ यस अजय मेरे भाई चलेगा बेटा, अजय अनुज अगर बेटा अपने मोड इज इक्वल टू 3 median - 2 mean चले बेटा वही फॉर्मूला बेटा, बस शफल किया समझा क्या, से बोलो क्या 2 + 3 आप 5 बोलो या 3 + 2 = 5 बोलो बेटा वही होता है, समझा गया बेटा जी, बस वही शफल करके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर आपके दिमाग में पहले से वो बेटा फॉर्मूला बैठा है तो उसको याद करो बेटा जी, अगर पहले से कोई दिमाग में नहीं बेटा फॉर्मूला तो इससे करो, कोई तकलीफ नहीं बेटा जी, आप कैसे भी करो डजंट मेक डिफरेंस, ठीक है चलो क्लियर है बेटा जी। अब एक काम करो, अभी क्वेश्चन नंबर 21 आप मुझे करके बताओ, 20 में क्या है मीन दिया है मोड दिया है, आपको निकालना है क्या मीडियन, बोला सम किसका है सिमेट्रिक या असिमेट्रिक है, अनुज सिंह जी आप टेंशन मत लेना, मैं क्लास में बेटा मेरा क्लास में बेटा एक आदत है बेटा जी, मैं नोट्स में कभी भी बेटा मैं आंसर की देता नहीं बेटा, मेरी आदत है बेटा जी, मैं क्लास में हर क्वेश्चन के आंसर मैं खुद बताता हूं बेटा, ये मेरा आदत है बेटा, टेंशन मत लो, आपके नोट आंसर की नहीं भी होगा
डजंट मेक अ डिफरेंस, मैं बताऊंगा आपको आंसर क्लास में, ओके okay? क्योंकि आपने बेटा जब मुझे यहाँ पे पूरा बेटा मेरे फेथ रखा है, तो सबका आंसर बताना मेरी जिम्मेदारी बेटा, ठीक है। चलो बेटा फास्ट सॉल्व करो बेटा जी, मीन दिया है मोड दिया, आपको मीडियन निकालना है असिमेट्रिक पे, क्योंकि मीन और मोड अलग है तो सम होगा असिमेट्रिक। बोलो क्या फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू क्या, 3 into मीन माइनस मीडियन। चलो बेटा फटाफट इसमें मीन रखो 200, मोड रखो बेटा 150, फटाफट मुझे करके बताओ, बोलो क्या आंसर आएगा, बोलना लायक, बोलो 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 क्या आंसर आएगा। आई थिंक बेटा आपका मीडियन का आंसर 183.33 आ रहा होगा, 183.33 को नियरली 184 बोलो चलेगा, इतना झोल चलता है यार। सेकंड ऑप्शन आ रहा बेटा, सबने करके देखा है क्या, ठीक है आगे बढ़ो चलेगा, कोई तकलीफ इसमें, कोई तकलीफ बेटा जी, सभी से कंफर्टेबल है, एकदम चिल मार के चलो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक, सभी थोड़े से अलग है बेटा ध्यान देंगे, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के सम। चलो बेटा अभी काम करेंगे, मैं क्वेश्चन 22, 23 और 24 ये बेटा तीन करके बताऊंगा, तीन नहीं चार, 22, 23, 24, 25 करके बताता हूं, फिर एक काम करो 26 आप लोग करो। अथर्व बोल रहा है सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस चैप्टर के प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। एक बोलो अथर्व, जो बच्चा बेटा रेगुलर क्लास मेरा पढ़ता है, जो रेगुलर क्लास पढ़ता है बेटा, अगर आई थिंक बेटा मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे बेटा जी राइट ना, लेकिन जो बच्चा पहले मुझसे पढ़ चुका है, मैं हमेशा स्ट्रिक्टली बेटा बोलू क्या, मेरे क्लास में हर बैच में बच्चों वही बता रहता हूं कि भाई स्टैटिस्टिक्स में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बट तकलीफ क्या है बेटा बोलू क्या, मैक्सिमम फैकल्टी सिर्फ क्या करते हैं, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, उसी को इतना रटवाते ना, प्रॉपर्टी लेते नहीं बेटा। लेकिन मेरा उल्टा बेटा जी, मैं प्रॉपर्टी भी उतना ही करोगे बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और वही नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर कैसे तकलीफ आएगी बेटा जी। तो ये करके जाओ बेटा, ट्रस्ट मी यू विल रियली स्कोर वेल, यू रियली स्कोर वेल, वेल स्कोर, अच्छा स्कोर होगा बेटा आपका, ठीक है, पढ़ाई पूरा करने का हमेशा। चलो बेटा अब ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन 22, अब लिखना बंद, चार क्वेश्चन मेरे है, एक क्वेश्चन आपका है, तो चार क्वेश्चन तक बिल्कुल लिखने का, नो चीटिंग। एक ट्रिक बता रहा बच्चे, ट्रिक बता सुनो, पहले क्वेश्चन 22 को पढ़ो फिर ट्रिक बताता हूं मैं आपको, 22 को पढ़ो पहले, अजय मेरे भाई टेंशन मत ले, कंबाइंड वाले समय उसी का ट्रिक बता रहा, एन क्या लेंगे एक्स क्या लेंगे उसे ट्रिक बेटा बता रहा हूं मैं पूरा कर दो टेंशन मतलब बेटा। इफ देर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग, दो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में 30 बेटा ऑब्जर्वेशन है, सेकंड में बेटा 20 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट में 30 ऑब्जर्वेशन है, सेकंड में बेटा 20 ऑब्जर्वेशन है, एंड हैविंग 50 एंड 60 एज देयर अर्थमेटिक मीन, उनका अर्थमेटिक मीन दिया 50 और 60 दिया, और आपको निकालना है क्या, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है, आपको निकालना है क्या, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है। आप आराम से चिल मार के सुनना मैं जो बताने जा रहा हूं, पर याद रखिए जब भी सम आता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का, आपको ये तो क्लियर है बेटा ये सम किसका है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। मैं ट्रिक बता रहा हूं जिनको कंबाइंड के सम में शब्दों में कंफ्यूजन होता है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब भी सम आएगा कंबाइंड का, याद रखिए बेटा जी कंबाइंड के सम में हमेशा होते तीन ग्रुप, कितने ग्रुप होते बच्चों, तीन ग्रुप, कंबाइंड के समय हमेशा होते तीन ग्रुप, दो होते छोटे ग्रुप और एक बड़ा कंबाइंड होता है, दो होते छोटे ग्रुप और एक बड़ा कंबाइंड, छोटे ग्रुप होते वन और टू, और कंबाइंड क्या होता है वन टू, मैं दोबारा बता रहा चलो, जब भी समाता बेटा कंबाइंड का, कंबाइंड में हमेशा होते तीन ग्रुप, दो क्या होते छोटे और एक बड़ा क्या होता है कंबाइंड, दो क्या होते छोटे और एक बेटा बड़ा क्या होता है कंबाइंड, ठीक है। पहले में होते एन वन ऑब्जर्वेशन, दूसरे में होते एन टू ऑब्जर्वेशन, कंबाइंड में होते एन वन प्लस एन टू ऑब्जर्वेशन, पहले का मीन है एक्स वन बार, दूसरे का मीन है एक्स टू बार, और कंबाइंड मीन है एक्स वन टू बार। पहले बेटा है एन वन नंबर बेटा जी, सेकंड में बेटा एन टू नंबर है, और कंबाइंड में एन वन प्लस एन टू, पहले का मीन बेटा एक्स वन बार है, दूसरे का मीन बेटा एक्स टू बार है, और कंबाइंड में क्या एक्स वन टू बार है, ठीक है। अब बेटा जी देखिए हमेशा देखे
जब भी बेटा सब आता है कंबाइन का, आपको एक टेबल बनाना, मतलब बनाने का, एन वन एन टू एन वन प्लस एन टू एक्स वन बार एक्स टू बार एक्स वन टू बार, ये टेबल करना मतलब करना छे, कराइस मंजे कराइस। पहले फिलअप करते हैं, बोलो बेटा क्वेश्चन में क्या हो रहा है। दो ग्रुप है, पहले में कितना ऑब्जर्वेशन है 30, सेकंड में कितने 20, ये कौन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कहना है इसे मेरा एन वन और एन टू है। सर जी फर्स्ट में 30 ऑब्जर्वेशन है और सेकंड में 20 है। सर फर्स्ट में 30 ऑब्जर्वेशन है, सेकंड में 20 है, एन वन और एन टू दिया, दोनों का मीन दिया। फर्स्ट का मीन क्या है एक्स वन बार, सेकंड का मीन क्या है एक्स टू बार, फर्स्ट का मीन क्या है एक्स वन बार है, सेकंड का मीन क्या है एक्स टू बार है, एन वन एन टू दिया, एक्स वन एक्स टू दिया। आपको निकालना है क्या है कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का मतलब क्या है एक्स वन टू बार डेंटेड है। आप सबको पता है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू। जो पता है लिखिए, जो नहीं पता मिल जाएगा। एन वन कितना बच्चों 30 है, एक्स वन बार 50 है, एन टू कितना है 20 है, एक्स टू बार 60 है अपॉन एन वन प्लस एन टू। आराम से वैल्यू पुट किया। कैलकुलेशन के लिए मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो, सबसे पहले करो मल्टीप्लाई फिर करो एडिशन। 30 इंटू 50 1500, 60 इंटू 20 1200 डिवाइडेड 50 करो बेटा जी, 2700 बाय 50 कितना आएगा सर 54 आएगा, यही तो मेरा कंबाइंड मीन है। दैट्स इट, कोई तकलीफ, इजी था, एकदम चिल्लर क्वेश्चन था बेटा, टाइम पास चिल्लर क्वेश्चन था। आगे बढ़ू, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, जरा मस्त क्वेश्चन करते हैं। अब एक काम करो, पहले हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं फिर 23 करेंगे, पहले 24 करते हैं। अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे समझे आप ना समझे, क्वेश्चन 24 को प्लीज ध्यान से पढ़ना। चलो बेटा जी पढ़ा, मीनिंग समझ के लो, क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज रेनफॉल टू अ वीक एक्सक्लूडिंग संडे, एक वीक में एक हफ्ते में संडे छोड़ के, एक वीक में एक हफ्ते में संडे छोड़ के एवरेज रेनफॉल होता 10 mm, मतलब एक वीक में संडे छोड़ के बाकी 6 दिन का बेटा एवरेज रेनफॉल था 10, एवरेज मतलब मीन है। ड्यू टू हेवी रेनफॉल ऑन संडे, और संडे को इतनी बारिश हुई, इतनी मतलब इतनी कि संडे को इतनी बारिश हुई कि उससे पूरे वीक का एवरेज बढ़ के हो गया 15, और संडे को इतनी बारिश हुई, अनशन बारिश हुई, उसे पूरे वीक का एवरेज कितना 15 हो गया। पहले 6 दिन का एवरेज 10 है बेटा, संडे को इतनी बारिश हुई कि पूरे वीक का एवरेज 15 हो गया बेटा जी। और क्या बोला, हाउ मच रेनफॉल वॉज देयर ऑन संडे, संडे को कितनी बारिश हुई आपको पूछा है, संडे को कितनी बारिश हुई पूछा है, इतनी मतलब कितनी वो पूछा है, समझा मैं नहीं समझा। देखो पहले 6 दिन का एवरेज दिया, पूरे हफ्ते का एवरेज दिया, तो सम किसका है, कंबाइंड का समय। अब देखो ट्रिक, जिनको जिनके कंसेप्ट वीक से करना चाहिए, मैंने पहले बताया जब भी सम आता है कंबाइंड का, जब भी सम आता है कंबाइंड का सबसे पहले क्या बनाएंगे टेबल, जब भी सम आता है कंबाइंड का सबसे पहले क्या बनाएंगे टेबल। बोलो बेटा जी टेबल में कितने ग्रुप, सर 3, 2 क्या होते छोटे ग्रुप 1 और 2, 1 बड़ा क्या होता है कंबाइंड। अब जरा आराम से दिमाग लगा के मुझे बताओ, सोच के मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में 3 ग्रुप कौन से, चलो कौन बच्चा मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में 3 ग्रुप कौन से, बता बच्चा लोग इस क्वेश्चन में 3 ग्रुप कौन से, जरा बता पाओगे आप मुझे, ये बताओ। 6 दिन का एक ग्रुप है, संडे मतलब 1 दिन का बेटा एक ग्रुप है, और पूरा वीक मतलब क्या है 7 दिन का ग्रुप है, बड़े समय 3 ग्रुप है, 6 दिन का एक ग्रुप है,
संडे मतलब एक दिन का एक ग्रुप है, और पूरा वीक मतलब 7 दिन का ग्रुप है, 6, 1 और 7, 6, 1 और 7 ऐसे ग्रुप है बेटा, 6, 1 और 7 ऐसे ग्रुप है। इसमें से बेटा जी, इसमें से बेटा जी छोटे ग्रुप कौन है, 6 और 1 छोटा ग्रुप है और 7 क्या है बड़ा कंबाइंड, 6 और 1 कौन है छोटे ग्रुप है और 7 क्या है बड़ा कंबाइंड, छोटे ग्रुप कौन है बेटा 6 और 1 है, 6 और 1 छोटे ग्रुप बेटा जी, तो 6 को बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप, 1 को बोलेंगे सेकंड ग्रुप, और 7 कौन है कंबाइंड ग्रुप, सबको झेपा के बेटा जी एकदम आराम से बेटा जी। ओके मैं दोबारा बता, सब में बेटा 3 ग्रुप है, 6 और 1 के छोटे ग्रुप बेटा जी, 6 का है अपना छोटा ग्रुप, 1 का बेटा छोटा ग्रुप, और 7 का कौन है अपना कंबाइंड ग्रुप, आराम से 6, 1 और 7 का। सबसे पहले क्या बोला किसका एवरेज दें, पहले 6 दिन का बच्चा एवरेज दें, बताओ बच्चा लोग पहले 6 दिन का कितना एवरेज है 10 है, पहले 6 दिन का एवरेज है 10 है, ये हमारा कौन है X1 बार है। फिर क्या बोला है पूरे वीक का एवरेज दें, पूरा वीक मतलब क्या है 7 दिन का एवरेज है, 7 दिन मतलब क्या है X12 बार 15 है, अरे झेपरा का नालायक, पहले 6 दिन का एवरेज दिया है 10, 7 दिन का एवरेज दिया है 15, और पूछा है क्या है संडे की बारिश मतलब 1 दिन का एवरेज X2 बार, सबको सम का मतलब समझा क्या बेटा जी, 6 दिन का एवरेज दिया है X1 बार, 7 दिन का एवरेज दिया है X12 बार, और 1 दिन मतलब संडे की बारिश पूछे, ट्राई कर दे बेटा जी कोई दिक्कत नहीं। कंबाइंड का समय अप्लाई करो फॉर्मूला, X12 बार क्या होता है N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2, जो पता है लिखिए, जो नहीं पता है मिल जाएगा। बोलो बच्चों X12 बार कितना है 15, X12 बार कितना है 15, N1 कितना आ रहा है 6, X1 बार 10, N1 6, X1 बार 10 है, N2 कितना आ रहा है 1, X2 बार नहीं पता है अपॉन N1 प्लस N2, एकदम आराम से चिल मार के बेटा, आराम चिल मार के। अब बेटा कैलकुलेशन करेंगे 15 यही पे, 6 × 10 = 60 प्लस X2 बार अपॉन 7, कैन यू फाइंड X2 बार, 15 × 7 कितना आ रहा है 105 आ रहा है क्या, तो X2 बार कितना आएगा 105 - 60 कितना आएगा 45, 100 एंड यही तो हमारी कौन है संडे बारिश ना बेटा, तो संडे को कितनी बच बारिश हुई 45, खत्म, कोई तकलीफ, सबको सम का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, समझ से कंफर्टेबल एकदम आराम से चिल मार के बेटा सबको समझ में आ रहा है। यहां पे आपको X12 बार दिया था और X2 बार पूछा है, क्लियर बेटा जी सबको कंसेप्ट, एकदम आराम चिल मार के। ये क्वेश्चन 24 हो गया, अब बेटा जी हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 23। अब सब बच्चे क्वेश्चन 23 को प्लीज अच्छे से पढ़ेंगे, 23 को पूरा मीनिंग समझ के लो। जैसे रिपीट चाहिए बेटा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चले बेटा क्वेश्चन 23 को प्लीज दो बार ध्यान से पढ़, 23 को दो बार ध्यान से पढ़ना, मीनिंग समझ के लो बच्चा लोग, मीनिंग समझ के लो अच्छे से, मीनिंग समझ के लीजिए प्लीज। यस बेटा आप पे लूंगा बेटा, बस ये आज का लास्ट लेक्चर बेटा यूट्यूब का अपना, कि यूट्यूब पे 5 लेक्चर बेटा कमिट किए थे, ये लास्ट लेक्चर बेटा जी, और अपना इसके बाद मंडे से लेक्चर बेटा ऐप पे होगा, डोंट वरी मंडे से ऐप पे होगा लेक्चर बेटा। दिस इज लास्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब। चलिए बेटा सम पढ़ लिया, क्या बोला है एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर की एवरेज सैलरी 10,000 है, एंड डेट ऑफ का मतलब क्या है एवरेज सैलरी ऑफ स्किल वर्कर, क्या बोला है अनस्किल्ड वर्कर की एवरेज सैलरी 10,000 है, स्किल्ड वर्कर की एवरेज सैलरी कितनी बच्चों 15,000 है,
अनस्किल्ड के एवरेज सैलरी बच्चों दिए, स्किल्ड के एवरेज सैलरी आपको दिए, और कंबाइंड एवरेज सैलरी आपको दिए, और पूछा क्या है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल वर्कर, आपको दिया है क्या है कंबाइंड एवरेज सैलरी दी है, मतलब सम किसका है कंबाइंड का, अब कैसे करना चाहिए सम का मीनिंग समझा। चलो अब सॉल्व कैसे करें, जिनका मैथ्स बहुत ही वीक है डराने बेटा मत बेटा, जो मैं ट्रिक पर ट्रिक और फॉलो करो बेटा, जो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। आपको पता है रास्ता ने बोला था जब भी सम आता है कंबाइंड, रास्ता ने कहा था जब भी सम आता है कंबाइंड का, कंबाइंड के समय हमेशा कितने ग्रुप आएंगे बेटा जी, तीन, एक दो और तीन, ओके इसको वन टू बोलते, दो क्या होते छोटे ग्रुप और एक क्या होता है कंबाइंड। जरा कोई मुझे क्वेश्चन देख के बताएगा इस क्वेश्चन में छोटे ग्रुप कौन से और बड़ा ग्रुप कौन सा, कंबाइंड ग्रुप कौन सा है। सर यहां पे अनस्किल्ड और स्किल के छोटे ग्रुप है सर यहां। अरे एक मिनट बेटा, एक जस्ट एक मिनट बैटरी चेंज करो, रियली सॉरी कैमरे की बैटरी होगी, बैटरी चेंज करो बस एक मिनट में आया। चलो बेटा जी आई एम बैक बच्चों, मैंने बोला था कि कंबाइंड की समस्या तीन ग्रुप होते हैं बेटा, दो क्या होते हैं छोटे और एक बेटा कंबाइंड होता है। यहाँ बच्चों देखो अनस्किल्ड और स्किल्ड ये छोटे ग्रुप है और टोटल वर्कर का कंबाइंड ग्रुप है। अनस्किल्ड और स्किल्ड ये छोटे ग्रुप बच्चों और टोटल बच्चों वर्कर का कंबाइंड ग्रुप है, क्लियर है बेटा। अब जो पता लिखिए सबसे पहले बच्चों क्या बोला है आराम से देखो, सबसे पहले क्या बोला है एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड, अनस्किल कौन है हमारा फर्स्ट ग्रुप है। एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल मतलब क्या है, फर्स्ट का एवरेज मतलब फर्स्ट का मीन दिए, तो एक्स वन बार कितना है 10,000 है, फर्स्ट का मीन 10,000 है। एवरेज सैलरी ऑफ स्किल्ड मतलब एक्स टू बार फिफ्टीन थाउजेंड है, एक्स वन बार दिया है 10,000, एक्स टू बार दिया है 15,000, बाद में क्या है कंबाइंड एवरेज सैलरी मतलब क्या है एक्स वन टू बार कंबाइंड एवरेज मतलब एक्स वन टू बार 12,000 है। सबको झिपा ना लायक, अनस्किल्ड का एवरेज मतलब एक्स वन बार दिया 10,000, स्किल्ड का एवरेज मतलब एक्स टू बार दिया 15,000, ओके बाद में क्या दिया एक्स वन टू बार कंबाइंड का एवरेज दिया, और कुछ दिया सब में ना सर जी। आपको पूछा है क्या है परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ स्किल्ड, स्किल्ड कितने परसेंटेज है आप कैसे करेंगे। यहां पे ना एन वन पता है ना एन टू पता है ना एक्स एन वन प्लस एन टू पता है, एट अ टाइम तीन तीन मिसिंग है तो क्या करेंगे, ट्रिक बताओ। आपको पूछा है क्या परसेंटेज ऑफ क्या बोला है स्किल्ड, स्किल्ड क्या पूछा बच्चों, तो एक काम करते स्किल्ड को एक्स मानो, आपको परसेंट ऑफ स्किल पूछा है स्किल को एक्स मानते हैं, पर सिंपल मेरा सवाल है स्किल्ड अगर 30% है अनस्किल्ड कितने आएंगे 70%, स्किल्ड अगर 40% है अनस्किल्ड कितने आएंगे 60%। आपको पूछा क्या परसेंट, आपको पता है टोटल परसेंट कितना होता है 100, अगर बेटा जी टोटल परसेंट बच्चों 100 होता है, स्किल्ड अगर 30 है आंसर कितना आएगा 70, 100 में से लेस किया, स्किल बेटा अगर 40 है आंसर कितना आएगा 60 आएगा, तो उसी तरह से बच्चों स्किल्ड अगर एक्स है तो अनस्किल कितना आएगा 100 माइनस एक्स। आपको समझा बेटा जी, बिकॉज ऑफ परसेंटेज वर्ड हमने क्या क्या
टोटल कितना लिया 100, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिकॉज ऑफ परसेंटेज वर्ड टोटल लिया हमने 100, स्किल्ड अगर एक्स से आंसर आएगा सो माइनस एक्स आएगा बेटा। अभी हमें एक्स निकालना है, हंड्रेड एंड एक्स को निकालने के लिए हम यूज करेंगे कंबाइन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू। वैल्यू रखो बेटा जी, बोलो एक्स वन टू बार कितना है? सर एक्स वन टू बार है 12,000 है, एन वन कितना है 100 माइनस एक्स है, एक्स वन बार कितना है 10,000 है, एन टू कितना है एक्स है, एक्स टू 15,000 इंटू एक्स है अपॉन एन वन प्लस एन टू कितना 100 आ रहा है। आराम से चिल मार के सब इसे कंफर्टेबल है, अपने कलेक्शन करेंगे बेटा जी। अभी क्या करेंगे देखो, मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। 100 × 12,000 कितना आएगा? 100 × 12 कितना बचा आएगा? 12 लाख आएगा। अब 10,000 से हर एक को मल्टीप्लाई करो, 10,000 × 100 कितना आएगा? 10 लाख। 10,000 × x कितना आएगा? 10,000 x, और यहां पे कौन आएगा? 15,000 x। अब मुझे क्या निकालना बच्चा? x निकालना है। 15,000 − 10,000 कितना आएगा? 5,000 x आएगा। 12 लाख − 10 लाख कितना आएगा? 2 लाख आएगा। अब मुझे x निकालना है। 2 लाख / 5,000 कितना आएगा? 40। डेंटेड एंड यही तो मेरा कोने परसेंटेज कोने स्किल वर्कर, स्किल कितना बचा एक्सा बेटा जी, कितना एक्स मतलब कितना आएगा 40% हो गया। बोलो कौन सा ऑप्शन है? 1। कोई तकलीफ? अगर किसी बच्चे ने गलती से अगर अनस्किल मतलब एन वन को एक्स लिया होगा, अगर किसी बच्चे ने बच्चों गलती से अगर एन वन को एक्स बच्चों लिया होगा, आपका अनस्किल बेटा एक्स आपका 60 बेटा आ रहा होगा। अगर गलती से बड़ा उल्टा लिया होगा बेटा जी तो 60 कौन है आपका? अनस्किल्ड है, तो स्किल कितना आएगा? 40। बस ध्यान से करना बेटा जी, आपको पूछा है कि स्किल्ड पूछा है, स्किल्ड को मैंने एक्स बोला था वो 40 आ रहा है। बस ध्यान से करना, आपने क्या जूम कर देखना बेटा जी, क्या सभी बच्चों के इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? बोला हाँ या ना। अब एक काम करो नालायक, अब एक काम करो, इन सबका बच्चों स्क्रीनशॉट निकालो, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करें बेटा, स्क्रीनशॉट निकालो। अब एक काम करो, क्वेश्चन 22, 23, 24 का बेटा स्क्रीनशॉट निकालो इसका फटाफट, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो, लिया बेटा स्क्रीनशॉट। अब बच्चों 23 का लो स्क्रीनशॉट, और नालायक अब एक काम करो 24 का स्क्रीन शॉट। क्या बात है, लिख लिया बेटा, बहुत शानदार बेटा जी, लिखा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट निकालो और बाद में आराम से लिखो बेटा जी। अब देख कंबाइंड में देखिए, दो तीन क्वेश्चन मैंने करके दिए, तीन बेटा मैंने करके दिए, अब एक काम करना है दो आपको करने के। अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन 26 सेम टाइप के, चलो फटाफट करो बच्चों। बेटा आपके पास क्या हुआ रितेश मेरे भाई? रितेश जी क्या हो गया तारे जमीन पर? 25 और 26 पर दो क्वेश्चन है, आप कर लीजिए आराम से बेटा जी, यस फटाफट कर लीजिए, आपके पास एक 3 मिनट का समय है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सेम टाइप का है, समझ लीजिए, क्वेश्चन 25 और 26 आपको करने का है। यश मेरे भाई मैं समय समय पे फास्ट जाऊंगा बेटा, जब मुझे लगेगा तो मैं फास्ट जाऊंगा, चल लगता है मैं स्लो जाऊंगा बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जी, जो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर स्लो चलना ही पड़ेगा। तो पता चला जो एग्जाम में नहीं आता है वो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, और जो आता हूं मैं फास्ट पैसे नहीं चला बेटा जी, जो एग्जाम में आता है बहुत बार बेटा उसको मैं आराम से पढ़ाऊंगा मैं। क्वेश्चन 25 और 26 को सॉल्व कीजिए आराम से। करो सॉल्व बेटा आराम से, टेक योर टाइम, समझ के कीजिए सॉल्व। सब लोग आराम से समझ के सॉल्व करेंगे, कुछ घाई की बात नहीं, कुछ बच्चे बहुत फास्ट आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, अपने किसी से कॉम्पीट नहीं करना, अपने को अपने से कॉम्पिटिशन करने का है।
हमें यहाँ पे स्पीड नहीं इनिशियल एक्यूरेसी ध्यान देना है। स्पीड आप प्रैक्टिक हो, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस करोगे स्पीड बेटा अपने आप बढ़ेगा, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर करो और एक्यूरेसी पे ध्यान दो बेटा, वो जरूरी है। मुझे सबका आंसर चाहिए, अजय मेरे भाई आपका डाउट है बेटा, एवरेज मतलब बेटा एक्स बार है, और क्या डाउट है बेटा इसमें, इतना मैंने बता दिया, आपका डाउट हो रहा है बेटा। जैसे पिछला सम था 23, सेम क्वेश्चन 25 बेटा अजय, क्या बात है, वेरी गुड क्वेश्चन। 25 सबका हुआ है क्या, ऐसा कौन है जिसका 25 बेटा नहीं हो रहा है? यहाँ पे बेटा क्या बोला है, एवरेज मंथली ऑल वर्कर्स का इनकम दिया बेटा, मेल का इनकम दिया है और फीमेल का एवरेज है बेटा, मेल का एवरेज इनकम है और फीमेल का एवरेज इनकम दिया है, और आपको परसेंट ऑफ फीमेल पूछा है, मेल फीमेल पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, मेल का लेंगे फर्स्ट ग्रुप, फीमेल का लेंगे हम सेकंड ग्रुप, और टोटल वर्कर का लेंगे कंबाइंड ग्रुप। सबसे पहले बच्चे देखो, मेल का जो एवरेज है वो एक्स वन बार है, फीमेल का जो बच्चा एवरेज है वो एक्स टू बार है, और कंबाइंड एवरेज एक्स वन टू बार दिया है, एक्स वन बार दिया है, एक्स टू बार दिया है, और कंबाइंड एवरेज दिया है। फिर हमको हमें करना है क्या है, परसेंटेज ऑफ क्या पूछा है, मेल और फीमेल, तो इसको एक्स लो, इसको 100 माइनस एक्स लो, और ये 100 बेटा जी, और करके देखो आपका आंसर आएगा 80 और 20 आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा सबने किया होगा सॉल्व, ऑप्शन बी बेटा आ रहा है क्या, एन वन को बच्चों एक्स लो, एन टू मिलेगा 100 माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है आप कर पाएंगे, जिनको डाउट था भी कर लेंगे बेटा जी, ऋतुजा नैन्सी कर लेंगे बेटा जी, आप हिंट मैंने बता दिया आप कर लो बेटा। क्वेश्चन 26 क्या कर बेटा, जिनको 26 पर नहीं आ रहा है, 26 में क्या है, चार ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में 15 स्टूडेंट है, सेकंड में 20 है, थर्ड में 10, ये 18 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा, ये कौन है, एन वन एन टू एन थ्री एन फोर है, हर ग्रुप के नंबर दिए, एन वन एन टू एन थ्री एन फोर, और क्या बोला है, उनका मीन हाइट, मीन मतलब क्या है, एवरेज हाइट, फर्स्ट का मीन एक्स वन बार, सेकंड का मीन एक्स टू बार, थर्ड का मीन एक्स थ्री बार, फोर्थ का मीन एक्स फोर बार, जेपा बेटा एन वन एन टू एन थ्री एन फोर दिया और हर एक का मीन दिया, फर्स्ट का मीन एक्स वन बार, सेकंड का मीन एक्स टू बार, थर्ड का मीन एक्स थ्री बार, फोर्थ का मीन एक्स फोर बार दिया, और क्या बोला है, मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट, मीन ऑफ ऑल मतलब क्या है, एक दो तीन चार, चारों ग्रुप कंबाइंड करना है, आपको चारों का कंबाइंड मीन पूछा है, चारों का कंबाइंड मीन पूछा है, चारों का कंबाइंड मीन पूछा है, तो बेटा क्या होगा फॉर्मूला, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार प्लस एन थ्री एक्स थ्री बार प्लस एन फोर एक्स फोर बार अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर पूछा है। अब तक ऐसे में दो ग्रुप थे, यहाँ पे चार ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, बस चार तक खींचना बेटा, दो के लिए क्या आता है, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार, चार के लिए क्या होगा, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार प्लस एन थ्री एक्स थ्री बार प्लस एन फोर एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू एन थ्री कर बोलो बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। तो क्या सभी बच्चों को भी इस कंबाइन वाली प्रॉपर्टी में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? क्वेश्चन 27 सेम टाइप का है, 27 बच्चों घर में करो होमवर्क के लिए, क्वेश्चन 27 एज अ होमवर्क, 27 सेम टाइप का आराम से घर में कर लो होमवर्क है, टाइम पास क्वेश्चन है, ठीक है चलिए। आगे बढ़ते बच्चा लोग, अब बच्चों देखो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मिड मोड, पांच प्रॉपर्टी हो गए थे एक बार हमारे, फर्स्ट क्या था, इफ ऑल नंबर्स आर सेम देन मीन मिड मोड सेम होते, प्रॉपर्टी सेकंड सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन क्या आता है, जीरो। प्रॉपर्टी थर्ड में क्या आता, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन क्या आता है, जीरो।
प्रॉपर्टी थ्री में क्या था, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। प्रॉपर्टी फोर में क्या था, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी छह। ओके, 27 का आंसर 67.4 बोल रहे, क्या बात है, वेरी गुड, फुल फॉर्मेट है 27 का, ऑप्शन बी आर है, वेरी गुड। बाकी टिक मार करके बेटा जी बाद में सॉल्व कर लेना। अब प्रॉपर्टी छह बेटा बता रहा, प्रॉपर्टी छह है चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या है, फोकस करना बच्चों। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चेंज ऑफ बच्चों ओरिजिन का मतलब क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। मैं दोबारा बता रहा हूं, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। एकदम आराम से बेटा चिल मार के, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, चेंज ऑफ स्केल क्या, मल्टीप्लाई डिविजन होता है। अब समझना बेटा जी, प्रॉपर्टी सिक्स क्या बोलता है। मान लो मेरे कुछ नंबर से उनका मीन मुझे पता है, अगर मैं सब में पांच को ऐड किया तो मीन में पांच क्या होता है, ऐड होता है। सब में से तीन लेस किया तो मीन में से तीन क्या, लेस होता है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, अगर सब में ऐड किया तो मीन में क्या होता है, ऐड होता है। सब में से लेस किया तो मीन से क्या होता है, लेस होता है। तो क्या ना इसे मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर ऐड के लिए ऐड हो रहा है, लेस के लिए लेस हो रहा है, तो मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। फिर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सबको दो से मल्टीप्लाई करो, मीन भी दो से मल्टीप्लाई होगा। सबको तीन से मल्टीप्लाई करो, मीन भी तीन से मल्टीप्लाई होगा। सबको, हाँ प्रॉपर्टी फाइव बेटा, प्रॉपर्टी फाइव, कोई दिक्कत नहीं, नंबर से नंबर में क्या रखा बेटा जी, सबको दो से डिवाइड किया, मीन भी दो से डिवाइड होता बेटा जी। तो ये प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, सबको मल्टीप्लाई करो, मीन भी होता मल्टीप्लाई, सबको डिवाइड करो, मीन भी डिवाइड होता है। तो मीन इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, तो मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑल्सो। एड किया एड होता है, मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई होता है, माइनस किया माइनस होता है, डिवाइड किया डिवाइड होता है। तो कैन आई से दैट मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड सेल। जैसा मीन वैसा मीडियन एंड मोड। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड आर अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, अफेक्ट किससे होता है, स्केल से भी होता है एंड ओरिजिन से भी होता है। सब में ऐड करो मीडियन भी ऐड होता है, सब में लेस करो मोड भी लेस होता है। सर इसको और अच्छे से बताओ, एक काम करते इक्वेशन बनाते। मान लो मेरे पास एक एक्स नाम का वेरिएबल है, उसको मैंने बी से मल्टीप्लाई किया चेंज ऑफ स्केल, मैंने उस पर ए ऐड किया चेंज ऑफ ओरिजिन, तो मुझे वाई मिलता है। एक्स को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया चेंज ऑफ क्या है, स्केल है, उसको मैंने ए ऐड किया चेंज ऑफ क्या है, ओरिजिन है, तो मुझे वाई मिलता है। ठीक है, अब बताओ अगर मुझे एक्स का मीन पता है, क्या ना इसे अगर बेटा जी एक्स को बी से मल्टीप्लाई किया, कहने से मीन भी बी से मल्टीप्लाई होता है। अगर एक्स में ए ऐड किया तो मीन भी, मीन में भी ए क्या ऐड होता है, उससे मुझे क्या मिलेगा, वाई का मीन मिलेगा। चिल मार के, अगर मुझे एक्स का मीडियन पता है, सबको अगर बी से मल्टीप्लाई किया तो मीडियन भी बी से क्या मल्टीप्लाई होता है, सब में अगर ए ऐड किया मीडियन में ए क्या होता है, ऐड होता है, उससे हमें क्या मिलेगा, वाई का मिलेगा मीडियन। वैसे अगर मुझे मोड पता है एक्स का, सबको बी से मल्टीप्लाई किया मोड भी बी से मल्टीप्लाई, सब में ऐड किया मोड में भी ए ऐड, इससे क्या मिलेगा, वाई का मोड मिलेगा। एकदम छिल मार के, जिनको झेपता नहीं, सिंपल भाषा में बोलू बेटा जी, सिंपल भाषा में बोलू, ये प्रॉपर्टी सिंपली क्या बता रही है, अगर आपके पास एक्स और वाई का इक्वेशन है, अगर आपके पास एक्स और वाई का इक्वेशन है, उस इक्वेशन में एक्स के बदले एक्स का मीन और वाई के बदले वाई का मीन रखा तो भी चलेगा। अगर आपके पास एक्स और वाई का इक्वेशन है, उसमें एक्स के बदले एक्स का मीडियन और वाई के बदले वाई का मीडियन रखा तो भी चलेगा, ऐसा प्रॉपर्टी बोलती है।
मैं दोबारा बता रहा हूँ, चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब नालायक मुझे बताएंगे मीन, मीडियन, मोड अफेक्ट किससे होते, स्केल से या ओरिजिन? अरे सर दोनों से बाबा, सब में ऐड क्या, मीन भी ऐड होता है, सब में से लेस क्या, लेस होता है, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड, तो इट इज अफेक्टेड बाय बोथ स्केल एंड ओरिजिन। इस प्रॉपर्टी को अगर हम अलग एंगल से देखेंगे, अलग एंगल क्या बोलता है, अगर मेरे पास एक्स और वाई का इक्वेशन है, उस इक्वेशन में एक्स के बदले एक्स का मीन और वाई के बदले वाई का मीन रखा तो भी चलेगा, एक्स के बदले एक्स का मीडियन और वाई के बदले वाई का मीडियन रखा तो भी चलेगा। ओके सबको झेपा ना लायक, ओके अब सुना लायक, अगर थोड़ा बहुत समझा, अगर इसको क्वेश्चन पूरा समझा, पूरा समझाएगा बेटा, एक काम करो फटाफट, काम करो, सब बच्चे काम करेंगे, प्लीज को लिख लो यार, ये प्रॉपर्टी फाइव को लिख लो पहले बेटा, लिख लो पहले प्रॉपर्टी फाइव को, अच्छा लिखो बेटा जी। छोटा जी फटाफट लिख लो बेटा जी, लिखो ना लायक, मैं सबसे पूरा अच्छे से बता दूंगा, टेंशन मत लो, लिख लो बेटा जी। चलो बेटा जी लिखा है, इसको लिखा ना लायक, यस। अब इसका क्वेश्चन देखिए बेटा जी, क्वेश्चन 31 चिल्ला रहे, क्वेश्चन 31 पढ़ो क्या बोला है, मैं 31, 32 और सॉरी 33 और 34 ये चार बड़े क्वेश्चन करके बताऊंगा, फिर बाकी आप खुद से कर लो। 31 पढ़ लो आराम से। If constant 25 is added to each observation, सब में 25 add किया तो क्या होगा? सर mean में 25 add होगा, सर सब में अगर 25 add किया तो mean में क्या होगा? Mean is इनके 25 time pass है, सब में बच्चों 25 add किया, mean में 25 add हो जाता है, chill मार के। Question 32, सब में से 40 subtract किया तो mean से भी 40 subtract, mean भी 40 less होगा, सब में से बच्चों 40 less किया तो mean से भी 40 less होगा, एकदम आराम chill मार के। सब में से 40 बच्चों लेस किया, मीन से भी 40 लेस होते हैं, एकदम आराम चिल मार के। क्वेश्चन 33, मेरे पास चार नंबर का मीन है 20 है, मैंने सब में सी ऐड किया, सब में सी ऐड किया, मैंने सब में सी ऐड किया तो नया मीन कितना गया? 22। अरे नया मीन 20 का 22 हो गया तो कितना ऐड किया? अगर दो ना बेटा जी तो सी दो है ना, अरे पहले मीन 20 था, पहले मीन 20 था, सी ऐड करे भाई मीन 22 हो गया तो सी कितना हो गया? दो हो गया, खत्म टॉपिक क्लोज। अब क्वेश्चन 34 बेटा बताओ, 34 बता रहा हूं, एक्स और वाई का इक्वेशन दिया है, एक्स का मीडियन 20 दिया है और वाई का मीडियन पूछा है, एक्स का मीडियन दिया है और वाई का मीडियन पूछा है, एक्स का मीडियन दिया है और वाई का मीडियन पूछा है, चिल्लर है। देखो अगर आपको इक्वेशन पता है, एक्स का मीडियन देके वाई का मीडियन, तो क्या करें? सिंपली वाई के बदले वाई का मीडियन और एक्स के बदले एक्स का मीडियन रखा तो भी चलेगा, एक्स के बदले एक्स का मीडियन और वाई के बदले वाई का मीडियन रखा तो भी चलेगा। वैल्यू पुट करो बेटा जी, किसका पता मीडियन? एक्स का मीडियन कितना है? 20 है, करो सॉल्व, एक्स का मीडियन 20 बेटा, अभी सॉल्व करो, 2 × 20 कितना आ रहा है? 40 माइनस 3 37, ये वाई का मीडियन है, चिल्लर था बेटा, बस एक्स के बदले क्या है, एक्स का मीडियन और वाई के लिए वाई का मीडियन रखो, एकदम चिल्लर है। अब नालायक अगर आपको ये समझा गया तब एक काम करेंगे, क्वेश्चन 35, 36, 37 और 38 ये चार क्वेश्चन बेटा आप खुद से करेंगे, और उसके बाद एक काम करें बेटा, अपने को एक
10 मिनट का बच्चों ब्रेक लेंगे बेटा जी, क्योंकि अपने को और भी बहुत कुछ पढ़ना है, अपने को फिर पढ़ना है। ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एम, जी एम और एच एम पढ़ना है। आयो बेटा, सबको बड़ा मजा आ रहा है। ओके बच्चों, ये 4 बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने और 10-5 मिनट का बच्चों ब्रेक लेना बेटा जी। ओके, 35 to 38 बेटा सॉल्व करना है बेटा, 10 मिनट का बच्चों ब्रेक लेना है। हम मिलेंगे 10 मिनट बाद, मिलेंगे 10 मिनट के बाद बेटा। शक्ति जी आप ट्राई तो करो बेटा, एक बार वीडियो रिवाइंड कर सुन देखिए बेटा जी, आपको समझेगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से देखिए। ये तो बता रहा, वापस बता रहा, चलो मिलते ब्रेक के बाद।
चलो बेटा ब्रेक ओवर, शुरू करते हैं। सॉरी। चलो बेटा जी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। चलो फटा बताओ क्वेश्चन 35 का आंसर क्या रहा, बताओ। चलो क्वेश्चन 35 का आंसर क्या रहा बच्चों, 35 का ऑप्शन बी आ रहा है क्या? 35 का बेटा ऑप्शन बी आ रहा है। फिर बोलो बच्चों 36 का आंसर क्या रहा? 36 का ऑप्शन ए आ रहा है। 37 का ऑप्शन सी आ रहा है और 38 का ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए तो सब नाले किसे कंफर्टेबल है? अजी मेरे पे कुछ मुश्किल नहीं बेटा, 37 में क्या है, एक्स का मीडियन दिया, वाई का मीडियन निकाल बेटा। अगर एक्स के बदले तू 30 रखेगा तो वाई का मीडियन तुझे मिलेगा 49 ना, और रेशियो पूछा है वाई का मीडियन और एक्स के मीडियन का रेशियो, एक्स वाई का मीडियन 49 है, एक्स का मीडियन 30 है, बस रेशियो 49/30 हो गया बेटा। ठीक है एकदम आराम से चिल मार के। ये बेटा हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मीडियन मोड, आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा जी। अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एम जी एम और एच एम, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी चिल्लर है, आपको पता है इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम देन एम जी एम एच एम क्या आता है, सेम। मान लो अगर सभी नंबर है 7 7 7, एम बी क्या होगा 7, जी एम बी क्या होगा 7, एच एम बी 7, आपको पता ही है। इफ ऑल नंबर आर सेम देन एम जी एम एच एम ऑल आर सेम, ये तो आपको पता ही है राइट ना। अब बच्चों अगला मेन मजा आएगा, अगली जो प्रॉपर्टी थी बेटा जी फॉर टू नंबर्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एम जी एम एंड एच एम। प्रॉपर्टी फर्स्ट सिंपल है, प्रॉपर्टी सेकंड बता रहा हूं फॉर टू नंबर्स। देखो दो नंबर में कुछ कमाल के बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर मेरे पास दो नंबर है ए और बी, अगर मेरे दो नंबर है ए और बी, अगर मुझे ए और बी का, अगर बच्चों मुझे ए और बी का मीन निकालना है तो ए और बी का मीन कैसे निकालेंगे, दोनों का एडिशन अपॉन टू। तो दो नंबर के मीन का बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू। अगर आपको दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, रूट ए बी। अगर आपको दो नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी, याद रहेगा। नाला फिर से बताऊं, दो नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी अपॉन 2। फिर बोलो दो नंबर के लिए ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है, रूट ए बी। और फिर बताओ दो नंबर के लिए हार्मोनिक मीन क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी। रिपीट करूं फिर से बताओ, दो नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। फिर बोलो दो नंबर के लिए ज्योमेट्रिक मीन क्या है, रूट ए बी। फिर बोलो दो नंबर के लिए हार्मोनिक मीन क्या है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। एकदम चिल मार के बेटा जी सबको झेपा। अब इस पे मैं और एक फैक्ट बता रहा हूं, और एक फैक्ट बता रहा हूं समझ दो बेटा, मैं आपको बता जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम, रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम फॉर टू नंबर। ये दो नंबर में एम जी एम एच एम का रिलेशन क्या होता है, जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एच एम। इट इज रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम बट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर। बताओ ना लाइक दो नंबर के लिए एम जी एम एच एम का रिलेशन क्या होता है, जी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू एच एम। तीन में से कोई भी दो पता है तीसरा निकालना आएगा, यस सर। अगर आपको एम और एच एम पता है कैन यू फाइंड जी एम, यस सर। अगर आपको जी एम और ए एम पता है कैन यू फाइंड एच एम, यस सर। तीन में से कोई भी दो पता है तीसरा आपको आराम से निकालना आ जाएगा। ओके बेटा जी
अटेंशन मत लेना, जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको इसमें और एक फैक्ट बता रहा हूँ, सुन अच्छे से, चलो वो बाद में समझा दो, बाद में समझाता हूँ वो फैक्ट, ठीक है ना। पर इतना क्लियर बेटा जी, चलो बता रहा हूँ। बोलो दो नंबर के लिए ए एम का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू। दो नंबर के लिए जी एम का फॉर्मूला क्या है, रूट ए बी। दो नंबर के लिए एच एम का फॉर्मूला क्या है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। और दो नंबर में ए एम जी एम एच एम का रिलेशन क्या है, जी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए एम इंटू एच एम। अब इसको क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 39, पढ़ो। दो नंबर है चार और नौ, इसका अर्थमेटिक में निकालो, क्या फॉर्मूला है सर, ए प्लस बी अपॉन टू। ए कितना है चार, बी कितना है नौ, कितना आएगा 6.5। फिर बोलो दो नंबर के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, रूट ए बी। ए कितना है चार, बी कितना है नौ, कितना छह आ रहा है क्या, खत्म। अर्थमेटिक में जो 6.5 हो गया, ज्योमेट्रिक मीन 6 हो गया। और हार्मोनिक मीन निकालो, क्या फॉर्मूला है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए कितना आ रहा है चार, बी कितना आ रहा है नो, ए चार और बी नो, करके बताओ बच्चों, टू इंटू फोर एट, इंटू नाइन 72, डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय 13, कितना आ रहा बोलो 5.53। सही करा, 72 डिवाइडेड बाय 13 5.5 नियरली आ रहा है, 5.5 यार, ऑप्शन ए आ रहा है बेटा जी, खत्म। कोई तकलीफ इसमें बच्चों, हमने क्या निकाला, दो नंबर का ए एम जी एम और एच एम, सबको इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है करने लायक, सबको समझ में आ रहा है एकदम आराम से चिल मार के। अब बच्चों अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 42, मैं 42 करके बताऊंगा, फिर 43 और 44 आप लोग करेंगे। 42 पढ़ आराम से, मीन ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 8। दो नंबर है, क्या बोला है, दो नंबर का मीन 16 है, क्या बोला बच्चों, दो नंबर का मीन 16 है, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन 8 है, और पूछा है क्या आपको हार्मोनिक मीन। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन दिए, ज्योमेट्रिक मीन दिए, और पूछा है कि हार्मोनिक मीन पूछा है, डेंटेड एंड सम किसका है, दो नंबर का। कौन बताएगा मेरे को दो नंबर में ए एम जी एम एच एम में क्या रिलेशन है, सर दो नंबर में क्या रिलेशन है, सर जी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, ए एम इंटू एच एम। जी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, ए एम इंटू एच एम, ये किसमें सर जी, दो नंबर में। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करते हैं, बोलो जो पता लिखिए, सर जी एम पता है 8, 8 का स्क्वायर 64, ए एम कितना पता है 16, कैन यू फाइंड एच एम, जी एम 8 है, 8 का स्क्वायर 16 है, ए एम 16 है, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 है, ए एम 16 है, कैन यू फाइंड एच एम, 64 बाय 16 कितना आ गया 4, दैट्स इट। कोई तकलीफ बेटा इसमें आपको, तो यहां पे अगर तीन में से कोई भी दो पता है, तीसरा निकाल पाएंगे एकदम आराम से चिल मार के, सबको आ रहा है इसमें कॉन्फिडेंस। ये अगर आपको समझा होगा, अब फटाफट सब नालायक मुझे क्वेश्चन नंबर 43 और 44 करके बताएंगे। चलो आपका एक मिनट का समय करके बताओ मुझे,
क्या बात है बच्चे, फटड़ बजा रहे फुल फॉर्म में एकदम। बोल बेटा जी, 43 क्या क्या? दो नंबर का एएम और जीएम दिया है और हमें दो नंबर पूछा है, या फिर एएम जीएम दिया है और दो नंबर पूछा है, तो बेस्ट वे क्या करेंगे? गो बाय ऑप्शन। हर ऑप्शन में दो नंबर दिए, हर ऑप्शन में दो नंबर दिए, उसका एएम निकालो जीएम निकालो। जिस किसी भी ऑप्शन से एएम 6.5 आएगा और जीएम 6 आएगा, ऑप्शन सही रहेगा बेटा। तो 43 का बी आ रहा है क्या सबका? ऑप्शन बी में दो नंबर 9 और 4 है, उसका एएम निकाल के देखो, ए प्लस बी अपॉन 2 वो 6.5 आएगा, जीएम निकाल के देखो रूट ए बी से वो 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी बेटा सही आ रहा है। और 44 का क्या डी आ रहा है? एएम और एचएम दिया है और जीएम पूछा, क्या फॉर्मूला है? जीएम स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एएम इंटू एचएम। पूरा खेल बच्चों फॉर्मूला एकदम आराम से छील मार के, सबको झिपा ना लाए, कोई तकलीफ इसमें क्या? सब बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? अब बताओ स्टैट्स इतना मुश्किल है क्या बेटा? क्या समझ के क्या? तो स्टैट्स इज वेरी वेरी स्कोरिंग, बस समझ के करना है और हर चीज करनी बेटा जी, कोई भी चीज हम ऑप्शन में नहीं छोड़नी अपने को, ठीक है? आगे बढ़ चलेगा बेटा जी। चलो ये हमारे डिस्कस हो गए दो प्रॉपर्टी, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला था? इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम देन एएम जीएम एचएम आर ऑल्सो सेम। प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोलता है? फॉर टू नंबर क्या था? एएम का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी अपॉन 2। जीएम का फॉर्मूला क्या था? रूट ए बी। एचएम का फॉर्मूला क्या था? 2ab अपॉन ए प्लस बी। और प्रॉपर और दो नंबर के लिए एएम जीएम एचएम में रिलेशन क्या होता है? जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम। बेटा ये रिलेशन किसके लिए था? दो नंबर के लिए। अब प्रॉपर्टी थ्री क्या बोलता है? रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम फॉर एनी नंबर, फिर दो नंबर हो, तीन नंबर हो, चार नंबर हो या पांच नंबर हो, हमेशा रखना रिलेशन क्या ऐसा बच्चों कहा जाता है। फॉर एनी नंबर रिलेशन क्या होता है? एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, जीएम इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एचएम। हमेशा बच्चों एएम क्या होता है? बड़ा। एचएम क्या होता है? छोटा। और जीएम बीच वाला होता है। फॉर एनी नंबर, अरे दो नंबर लो, चार लो, दस लो, कितने भी नंबर लो, एम हमेशा क्या होता है? बड़ा। एचएम क्या होता है? छोटा। और जीएम होता है बीच वाला। एम हमेशा क्या होता है? बड़ा। एचएम क्या होता है? छोटा। और जीएम होता है बीच वाला। फिर से इक्वल कब होता है? अरे सिंपल बात है बेटा जी, अगर मान लो मेरे पास कुछ नंबर है 5 5 5, सभी नंबर सेम है तो एएम जीएम एचएम सेम है। अगर नंबर अगर सेम है तो एएम जीएम एचएम सेम है। और नंबर अगर अनइक्वल है, 5 15 20 नंबर अनइक्वल है, तो बड़ा कौन है? एएम। बीच वाला कौन है? जीएम। छोटा एचएम है। ये रिलेशन है। ये किसके लिए अप्लाई होगा? फॉर एनी नंबर। आप दो नंबर लो, दस लो, बीस लो, कितने भी नंबर लो, सबके लिए एप्लीकेबल बेटा जी, याद रहेगा। तो एएम जीएम एचएम में क्या रिलेशन है? एएम इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीएम ग्रेटर इक्वल एचएम। ये आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कंबाइंड हार्मोनिक मीन। कंबाइंड हार्मोनिक मीन, जैसे कंबाइंड बच्चों अरिथमेटिक मीन था, अगर दो ग्रुप है, पहले में n1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे में n2 ऑब्जर्वेशन है, पहले का हार्मोनिक मीन h1 है, दूसरे का h2 है। अगर आपको दोनों मिला के कंबाइंड ग्रुप का हार्मोनिक मीन निकाल h12, अगर दोनों मिला के कंबाइंड का हार्मोनिक h12 निकालना बेटा जी, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। इट इज फॉर्मूला फॉर कंबाइंड हार्मोनिक मीन। मैं दोबारा बता रहा हूं, कंबाइंड हार्मोनिक मीन h12 का फॉर्मूला क्या है? n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देके सारा फंडा समझ में आ जाएगा। अब एक काम करेंगे, सब बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बेटा जी। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंबाइंड हार्मोनिक मीन। चलो बेटा जी सब लोग क्वेश्चन 28 को ध्यान से देखेंगे, आराम से पढ़ो।
पढ़ा, देर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज ए हार्मोनिक मीन, दो ग्रुप है, पहले का हार्मोनिक मीन 75, दूसरे का हार्मोनिक मीन 65, ये कौन है, H1 H2 है, पहले में N1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे में N2 है, N1 बेटा 15 है, N2 13 है, दोनों के हार्मोनिक मीन दिए H1 H2, दोनों के नंबर है N1 N2, H1 H2 दिया और N1 N2 दिया, और आपको क्या पूछा है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन पूछा है, क्या फॉर्मूला है, N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2, चिल मार के बेटा, इट इज फॉर्मूला फॉर कंबाइंड हार्मोनिक मीन, N1 N2 दिया, H1 H2 दिया बेटा जी, और कंबाइंड हार्मोनिक मीन अप्लाई करो, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, N1 कितना बच्चों 15, N2 कितना है 13, नीचे N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2, क्लियर ना लायक, अब जो करो बेटा ऊपर कितना आएगा 15 प्लस 13 28, नीचे करो पहले डिवीजन, 15 प्लस 75 0.2, 13 बाय 65 0.2, अब बेटा करो सॉल्व, 28 डिवाइडेड बाय 0.4, 28 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना आ रहा है 70 आ रहा है, 28 बाय 0.4 कितना आ रहा है 70 आ रहा है, ढेंटेड है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, पूछ ऑप्शन सी आ रहा है, कोई तकलीफ इसमें, 70 इसका सी आ रहा है, क्या सभी बच्चों को कंबाइंड हार्मोनिक मीन कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या, ये थी बेटा पहले चार प्रॉपर्टी, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ इसमें, अब एक काम करेंगे इसका स्क्रीनशॉट निकालो बेटा, जिनको मंगता होगा क्वेश्चन 28 का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, निकाला स्क्रीनशॉट, और एक काम करेंगे ये प्रॉपर्टी 2 3 4 फटाफट लिख लीजिए, हेडिंग दो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ AM, GM और HM, और एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए 2 3 4 लिख लीजिए, चला लाइक प्रॉपर्टी 2 3 4 लिख लीजिए आराम से, विश्वास हो प्रॉपर्टी छह, विश्वास जो बड़े बात करो बेटा, जीएम से करना है, एचएम से बेटा, वो आप बात करो बेटा, वो बेटा प्रॉपर्टी छह में करूंगा बेटा, प्रॉपर्टी सॉरी प्रॉपर्टी फाइव में बेटा, प्रॉपर्टी फाइव में मैं कराऊंगा बेटा, डोंट वरी, प्रॉपर्टी फाइव में है बेटा कराऊंगा, टेंशन मत ले, को भी पढ़ेंगे बेटा, पहले लिख लीजिए बेटा जी, पहले लिख लीजिए, थक तो नहीं गए ना, मजा आना बेटा, क्या बात है, कॉन्फ्रेंस आ रहा है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, रियली प्राउड ऑफ यू, चलो लिखो फटाफट लिखो बेटा जी, इन तक लिखिए, डरने के बेटा मैं ऐसे डरो मत बेटा जी, बस मैं इतना बोलूँ कि बेटा एक बार समझना, आप बेटा देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा बेटा, ईमानदार से मुझे मुझे लगता है इसमें से आधे बच्चे तो ऐसे होंगे, मुझे होता हूँ जो लास्ट टाइम इतना सब पढ़ाता क्या, मुझे ईमानदार बता बच्चों, मुझे लास्ट टाइम में ये चैप्टर बात करो बच्चों, बेटा मुझे होता अगर बेटा जी आपने लास्ट टाइम में बेटा इतना सब कुछ नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा फिर भी नहीं आ रहा बेटा जी, इसका आपका प्रैक्टिस बेटा कम हो रहेगा, लेकिन मान लो लास्ट टाइम इतना सब कुछ नहीं किया था बेटा जी, इसका मतलब बेटा आपने कंसेप्ट थोड़े से वीक थे, कंटेंट वीक था, इस बार कंटेंट इंप्रूव करो, प्रैक्टिस करो बेटा, आराम से आप पास होंगे, बट आराम से पास होंगे, क्यों नहीं पास होंगे, देखो मैं बेटा अपना बेटा 100% दे रहा हूं बेटा, मैं अपना 100% दे रहा हूं बेटा जी, आप भी बेटा 100% दीजिए बेटा अपना, क्यों नहीं होगा फिर,
चले हो गया लिख के बेटा जी, आगे बढ़ू। डेट्स स्पीड बेटा 70 प्लस पक्का लेके आओगे, मेरी गारंटी बेटा जी, मैं दुआ भी आपके साथ है बेटा, पक्का लेके आओगे। चलो बेटा अभी प्रॉपर्टी फाइव, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइव को हम लोग स्टार मार्क करेंगे, आईएमपी मार्क करेंगे। प्रॉपर्टी फाइव इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बेटा आईसीएआई की फेवरेट प्रॉपर्टी है, ये बेटा आईसीएआई की फेवरेट प्रॉपर्टी है। मान लो हर एक दो अटेम्प्ट में इस पे बेटा क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। ओके सुनना, इसे बोलते एप्लीकेशन ऑफ एएम जीएम और एचएम, एप्लीकेशन ऑफ एएम जीएम एंड एचएम। अब देखो बच्चा लो, बचपन से अपने दिमाग में क्या बैठा होता है बच्चों, बचपन से अपने दिमाग में क्या बैठा होता है, अरे यार, अरे यार एवरेज का मतलब क्या अर्थमेटिक मीन, बड़े बचपन से अपने दिमाग में क्या बैठा होता है, अरे यार एवरेज का मतलब क्या अर्थमेटिक मीन। बट भाई साहब हर जगह पे एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन नहीं होता है, हर जगह पे एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन नहीं होता है। कभी कभी एवरेज का मतलब ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, कभी कभी एवरेज का मतलब हार्मोनिक मीन भी हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हेन टू यूज एएम, व्हेन टू यूज जीएम एंड व्हेन टू यूज एचएम, ये डिस्कस करेंगे। ध्यान सुनना, जब भी आपको बोला है, जब भी आपको बोला है फाइंड द एवरेज रेट, जब भी बोलेंगे फाइंड एवरेज रेट, एवरेज रेट के सम में एवरेज को निकालने के लिए ऑलवेज यूज ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। नॉर्मली यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन और समटाइम्स हार्मोनिक मीन कैन बी यूज, बट नॉर्मली ज्योमेट्रिक प्रिफर बेटा जी। जब भी बेटा बोलेंगे फाइंड एवरेज रेट, मोस्टली यूज क्या करें ज्योमेट्रिक मीन और समटाइम्स हार्मोनिक मीन कैन बी यूज, बस पता होना चाहिए थ्योरी के लिए बेटा, ये थ्योरी है बेटा, पता होना चाहिए। अब मेन कंसेप्ट है एवरेज स्पीड। बेटा मुझे बताओ आपने बेटा कभी बचपन में स्कूल में बेटा स्पीड पढ़ा है कभी, क्या होता है बेटा, पढ़ा होगा ना स्पीड क्या होता है। हा सर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिपेंड करता है दो पैरामीटर के ऊपर, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। तो बच्चों जब भी एग्जाम में बोलेंगे फाइंड एवरेज स्पीड, अब सवाल उठता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए बेटा, सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है बच्चों एवरेज स्पीड, बेटा सवाल ये उठता है बच्चों एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें यूज क्या करना चाहिए। सर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें एएम यूज करना चाहिए या जीएम या फिर एचएम। अब प्लीज सुनना बच्चों, जब भी समय था एवरेज स्पीड का पहले चेक करो डेटा में क्या दिया। जब भी बेटा समय आता बच्चों, जब भी समय आता बच्चों एवरेज स्पीड बेटा आता है, इफ डिस्टेंस इज सेम, जब भी समय बच्चों एवरेज स्पीड बेटा आता है, इफ डिस्टेंस इज सेम, अगर हर एक जर्नी का डिस्टेंस सेम है, अरे बेटा जी अगर हर एक जर्नी का डिस्टेंस सेम है यूज करो हार्मोनिक मीन, अगर हर एक जर्नी का डिस्टेंस सेम है यूज करो हार्मोनिक मीन, अगर हर एक जर्नी का टाइम सेम है तो यूज करो अरिथमेटिक मीन। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर हर एक जर्नी का डिस्टेंस सेम है तो यूज क्या करेंगे हार्मोनिक मीन, अगर हर एक जर्नी का टाइम सेम है तो यूज क्या करेंगे अरिथमेटिक मीन, एंड डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर डिफरेंट, अगर दोनों भी अलग है ना डिस्टेंस सेम है ना टाइम सेम है तो क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सुनते जाओ आपको धीरे धीरे सम से पूरा समझेगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी समय आता एवरेज स्पीड का, जब भी समय आता एवरेज स्पीड का पहले चेक करो क्या सेम है, क्या सेम है, अगर एवरेज स्पीड के समय डिस्टेंस सेम है, अगर हर एक जर्नी का डिस्टेंस सेम है यूज करो हार्मोनिक मीन, अगर हर एक जर्नी का टाइम सेम है यूज करो अरिथमेटिक मीन, और डिस्टेंस और टाइम दोनों भी अलग है तो हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से करेंगे। अब एक काम करेंगे,
फटाफट बच्चों पहले इसको लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन से पूरा अच्छे से बता दूंगा बेटा जी। लिख लो बेटा जी, ये प्रॉपर्टी फाइल लिख लीजिए बेटा जी, पहले प्रॉपर्टी फाइल लिखो, फिर मैं क्वेश्चन से अच्छे से करा के दूंगा। चलो लिखा बेटा जी, मैं आगे बढ़ चलेगा, अभी क्वेश्चन करा इसके ऊपर, लिख लिया सबका, लिख के हो गया। अब इस पे क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर क्वेश्चन 40 से लेकर 49, ये क्वेश्चन है बेटा। देखिए काम करते उल्टा चलते, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन 49 उल्टा चलते बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन 49, सबसे पहले क्वेश्चन 49 को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है? एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी। एरोप्लेन बेटा जी वो सिटी सिटी ए से भी जाता है बेटा, वो सिटी ए से भी जाता है। जब वो ए से बी जाता है तो स्पीड कितना उसका? 500 का स्पीड है। कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए। जब बी से ए वापिस आता है, जब बी से वापिस आता है तो स्पीड कितना? 700। अरे जाते हो कितना स्पीड है? 500 का स्पीड है। आते हो कितना स्पीड है? 700 का। जाते हो बेटा 500 का स्पीड है, आते कितना बच्चों? 700 का स्पीड है। और आपको निकालना है क्या है? एवरेज स्पीड निकालना है। डेंटेड एंड आप सबको पता है जब भी समाता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस सेम होगा तो यूज करो हार्मोनिक मीन, टाइम सेम होगा तो यूज करो अर्थमेटिक मीन। अब कौन बताएगा मेरे को इस क्वेश्चन में क्या सेम है, डिस्टेंस या टाइम? अरे बट ऑब्वियस है, पहले जर्नी में आप सिटी ए से बी जा रहे हो, फिर सिटी बी से ए वापिस आ रहे हो। अरे अगर मुझे बताओ ए टू बी का डिस्टेंस अगर 400 किलोमीटर है तो बी टू ए का भी सेम होगा बेटा जी? अरे डिस्टेंस सेम होगा ना। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपको पुणे से बॉम्बे जाना है और बॉम्बे से पुणे आना है, जो डिस्टेंस पुणे से बॉम्बे को होगा वही बॉम्बे से पुणे को होगा बेटा जी? तो सेम थिंग, जो डिस्टेंस ए से लेकर बी का है वही बी से लेकर ए का होगा बेटा। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है तो हम एवरेज स्पीड के लिए यूज क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन। अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है तो यूज क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन। अरे सर दो नंबर है क्या? दो नंबर के लिए मैंने हार्मोनिक मीन का शॉर्टकट फॉर्मूला सिखाया था क्या? बता बच्चा लोग, क्या दो नंबर के लिए हार्मोनिक मीन का शॉर्टकट फॉर्मूला पता है बच्चों? यस, क्या फॉर्मूला है? 2ab / a + b। ये दो नंबर का शॉर्टकट फॉर्मूला है, 2ab / a + b। आप वैल्यू पुट करो सर, a कितना है? 500। b कितना है? 700। a कितना है? 500। b कितना है? 700। क्या सबका आंसर 583.33 आ रहा है क्या? कोई मुश्किल था बेटा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। कोई डिफिकल्ट है क्या रे? बस कंसेप्ट बताना चाहिए। अगर हर एक जर्नी का डिस्टेंस सेम है तो हम यूज क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। कोई तकलीफ इसमें? और दो नंबर में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? 2ab / a + b। आगे बढ़ू नालायक?
ठीक है। अब चलिए, अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन 48। चलिए अब सब बच्चे क्वेश्चन 48 को एकदम आराम से पढ़ेंगे। आराम से क्वेश्चन का मीनिंग समझो। अ हेलीकॉप्टर, अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज अराउंड स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर शेप का खेत है। एक हेलीकॉप्टर स्क्वायर फील्ड के अराउंड घूम रहा है। बच्चों के बड़े हेलीकॉप्टर बेटा जी, वो स्क्वायर फील्ड के अराउंड घूम रहा है। अच्छी बात है। साइड ऑफ विच मेजर 100। बेटा साइड कितने बेटा जी? फर्स्ट साइड भी 100 के, सेकंड साइड भी 100 के, थर्ड साइड भी 100 के, फोर्थ भी 100 के, पर चार बेटा साइड स्क्वायर फील्ड के, सबका डिस्टेंस सेम है, 100 फील्ड 100 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर कवर्स एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड पे उसका स्पीड कितना है? 100 किलोमीटर। सेकंड साइड पे उसका स्पीड कितना है? 200। थर्ड साइड पे उसका स्पीड कितना है? 300। और फोर्थ पे स्पीड कितना है? 400। आपको झेपा क्या बोला है? एक हेलीकॉप्टर है ऐसे स्क्वायर फील्ड के अराउंड घूम रहा है। फर्स्ट साइड पे स्पीड कितना है? 100। सेकंड पे स्पीड कितना है? 200। थर्ड पे स्पीड कितना है? 300। फोर्थ पे कितना बचो? 400। हर एक का आपको स्पीड दिया। और आपको पूछा है क्या? देखो नाला का आपको एवरेज स्पीड पूछा है। अब मेरा सवाल है, एवरेज स्पीड को निकालने के लिए यूज क्या करो? अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन? बोलो बच्चा लोग, एवरेज स्पीड को निकालने के लिए यूज क्या करो? अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन? यस, अरे सर स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं? सेम। स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं? सेम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? सेम है सर। स्क्वायर के सभी साइड सेम है सर। डिस्टेंस अगर सेम है तो हम यूज क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन। यूज क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन। अब कौन बताएगा मेरे को, मुझे अगर हार्मोनिक मीन निकालना है, कैन आई अप्लाई द फॉर्मूला 2ab अपॉन ए प्लस बी? बोलना लायक, कैन आई अप्लाई द फॉर्मूला 2ab अपॉन ए प्लस बी? ना ना ना, ये फॉर्मूला किसके लिए चलेगा? हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। पर अबे नंबर कितने? दो या चार है? अरे चार नंबर है ना, तो चार नंबर के लिए 2ab अपॉन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? याद है क्या? चार नंबर है तो किसका अप्लाई करेंगे फॉर्मूला? डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। बोलो बच्चा लोग, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में। बोलना लायक, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या? डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या? एन अपॉन समेशन वन अपॉन एक्स। एन नंबर कितने? चार। एन नंबर कितने? चार। अब वन अपॉन एक्स, प्रिपेयर कॉलम फॉर वन अपॉन एक्स, सभी एक्स का उल्टा करो। सो का उल्टा क्या है? वन अपॉन हंड्रेड। कैलिस करो बच्चों, वन अपॉन हंड्रेड कितना आता है? 0.01। 200 का उल्टा 1/200 कितना आएगा? 0.005। 300 का उल्टा 1/300 कितना आएगा? 0.0033। 400 का उल्टा 1/400 कितना आएगा? 0.0025। सभी एक्स का उल्टा किया, वन अपॉन एक्स। अब इसका सम करो, कितना आ रहा है?
083। कोई तकलीफ इसमें? नंबर कितने बच्चों? चार है। फिर सभी बच्चे x का उल्टा क्या? प्रिपेयर कॉलम फॉर वन अपॉन x, प्रिपेयर कॉलम फॉर वन अपॉन x। उसका सम क्या बेटा जी? अब बेटा करो, बेटा कैलकुलेशन करो। 4 डिवाइडेड बाय 0.02083 कितना आ रहा बोलो? क्या सबका आंसर 192 आ रहा है क्या? यही तो मेरा कौन है? एवरेज स्पीड है, यही तो मेरा कौन है? एवरेज स्पीड है। टॉपिक क्लोज। तुमने यहाँ पे क्या सीखा? जब भी जर्नी का डिस्टेंस होता है सेम, हम यूज क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन। क्लियर बच्चा लोग? अगर आपको ये समझा होगा, अब एक काम करेंगे, सभी नालायक क्वेश्चन नंबर 47 करके बताएं। चलो करो बच्चों, क्वेश्चन 47 करके बताएं। आपका एक मिनट का समय, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 47। करो बच्चा, ये क्वेश्चन 47 ट्राई कीजिए। क्या इतने फास्ट बता रहे हो? वेरी गुड। क्या बात है, फुल फॉर्म। अच्छे बोले, क्वेश्चन ऑप्शन बी आ रहा है 12। चिल्लर यार, एक साइक्लिस्ट है, घर से कॉलेज जा रहा है 10 की स्पीड से, कॉलेज से घर आ रहा है 15 की स्पीड से, डिस्टेंस सेम है, यूज क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन। 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी। आगे बढ़ना लायक, आगे बढ़ना लायक। कोई तकलीफ? अब क्वेश्चन 46 में करके बता रहा हूं, 46 में करके बताऊंगा। अब चलो 45 और 46 में दोनों भी करके बता, तो अलग समय थोड़े से, दोनों अलग समय बेटा जी। दोनों अलग समय। चलो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से पढ़ेंगे। चलो 45 ध्यान से पढ़ेंगे, तो अलग समय। सॉरी एक मिनट, बस बैटरी चेंज करो, मैं कैमरे की बैटरी चेंज करो, जैसे एक मिनट कितना बस संपढ़ लो।
चलो आई एम बैक. ओके बच्चों क्या बोला है, रमेश कवर्ड फर्स्ट 20 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी इन 30 मिनट. रमेश के लिए क्या बोला बच्चों, देखो रमेश के लिए क्या बोला है, रमेश ने अपने जर्नी का पहले 20 किलोमीटर कवर के 30 मिनट में. ये बेटा 20 किलोमीटर क्या दे रहे हैं, डिस्टेंस दे रहे बेटा जी. तो रमेश ने सबसे पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर. कितने समय में कवर किया, 30 मिनट. 30 मिनट का मतलब कितना बच्चा आवर होगा, 30/60 कितना आएगा, 0.5 ना, मिनट का आवर करना है 60. तो रमेश ने बच्चों पहले 20 किलोमीटर डिस्टेंस बच्चों कवर किया कितने समय में, 30 मिनट मतलब 0.5 आवर में. फिर रमेश ने और कितना डिस्टेंस कवर किया, 29 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया कितने समय में, 40 मिनट में कवर किया. 40 मिनट का आवर निकालो कितना आएगा, 0.66. सबको झेपा क्या, पहले जर्नी में डिस्टेंस कितना है 20, सेकंड में डिस्टेंस कितना है 29, फर्स्ट का टाइम कितना है 30 मिनट्स मतलब 0.5 आवर, सेकंड का टाइम कितना है 40 मिनट्स मतलब 0.66 आवर. अब मुझे निकालना है क्या, एवरेज स्पीड. अब कौन बताएगा मुझे एवरेज स्पीड को निकालने के लिए यहां पे क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है, क्या दोनों जर्नी का डिस्टेंस सेम है क्या, ना सर. क्या दोनों जर्नी का टाइम सेम है क्या, ना सर. अरे सर डिस्टेंस भी सेम नहीं है और टाइम भी सेम नहीं है. अरे सर जी डिस्टेंस भी सेम नहीं है और टाइम भी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे. अरे बच्चा जी अगर डिस्टेंस भी सेम नहीं है टाइम भी सेम नहीं है तो हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. आपको पता है अगर डिस्टेंस भी सेम नहीं है और टाइम भी सेम नहीं है, हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस पहले कितना आता 20, बाद में 29, टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 49. टोटल टाइम, टाइम पहले कितना आता 0.5, बाद में कितना 0.666, कितना हो गया 1.16 ना, कुछ तो आ रहा है, कितना आता रे करके बताओ ना, 1.1666. अब करो कितना आ रहा बच्चा, आ रहा आंसर 42 आ रहा है आंसर नियरली. झेपा क्या, यहां पे ना डिस्टेंस सेम है ना टाइम सेम है, तो कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम उससे करेंगे. क्या सबको आ रहा कॉन्फ्रेंस में बच्चों, हर एक बच्चों वैरायटी बच्चों करके ले रहा बच्चा लोग, आई होप कॉन्फ्रेंस में आ रहा होगा आप लोगों को. अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46. 46 का बस मैं हिंट बताऊंगा, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, ठीक है. चलो फटाफट क्वेश्चन 46 को ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से चिल मार के. क्वेश्चन 46 को प्लीज पढ़िए एकदम समझ के, पढ़े 46 को. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़े बेटा जी. क्वेश्चन 46 को पढ़ा बेटा, क्या बोला है, किशोर ट्रेवल्स 900 किलोमीटर बाय ट्रेन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. क्या बोला है, किशोर सबसे पहले ट्रेन से जा रहा है, क्या बात है, ट्रेन से 900 किलोमीटर जा रहा है, कितना स्पीड है 60 किलोमीटर. तो ट्रेन के जर्नी का डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है. फिर 3000 किलोमीटर स्टीमशिप से जा रहा है, क्या स्पीड से, 25 की स्पीड से. फिर 400 किलोमीटर एरोप्लेन जा रहा है, क्या तरक्की हो रही बेटा, क्या स्पीड से बच्चों, 350 के स्पीड से. और लास्ट में बेटा जी वो 15 किलोमीटर बस से जा रहा है, कितने स्पीड से बच्चों, 25 की स्पीड से जा रहा है बच्चा लोग. ओके क्वेश्चन 46, फर्स्ट जर्नी, सेकंड जर्नी,
थर्ड जर्नी और फोर्थ, हर एक जर्नी का बच्चा आपको डिस्टेंस दिया और हर जर्नी का बच्चों क्या स्पीड दी है। पता बच्चों, फर्स्ट जर्नी का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 900 है, स्पीड कितना है? 60 है। जो किलोमीटर में वो डिस्टेंस है, जो किलोमीटर पर आवर है वो स्पीड है बेटा। सेकंड जर्नी का डिस्टेंस कितना बच्चों? 3000 है और स्पीड कितना है? 25 है। थर्ड जर्नी का बच्चों डिस्टेंस कितना बच्चों? डिस्टेंस डिस्टेंस कितना बच्चों? 400 है और स्पीड कितना है? 350 है। नेक्स्ट जर्नी का बच्चों डिस्टेंस कितना बच्चों? 15 है और स्पीड कितना है? 25 है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हर जर्नी का डिस्टेंस दिया बच्चों और स्पीड दिया, अब हमको निकालना है क्या बच्चों? टाइम निकाल। अब हमको निकाल टाइम निकाला बेटा जी, अपने को यू हैव टू फाइंड द टाइम। ट्राई करते हैं, हाउ टू फाइंड टाइम, कर पाएंगे? आपको पता ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालें तो टाइम को लेकर जाओ ऊपर और स्पीड आएगा नीचे। अगर वो टाइम निकाले तो टाइम कहां पे जाएगा? ऊपर और स्पीड आएगा नीचे। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस को डिवाइड करो स्पीड से टाइम मिलेगा। फर्स्ट जर्नी का डिस्टेंस 900 है, स्पीड 60 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो। करो बच्चों 900 बाय 60 कितना आएगा? 15। ये टाइम हो गया। सेकंड का करो बच्चों 3000 बाय 25 करो कितना आ रहा है? सर 120। सबका मैं टाइम निकाल रहा हूं। थर्ड का बच्चों टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ रहा है? 1.142। फिर क्या आ रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ रहा है? सर 0.6। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ इसमें? अपने को डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हमको टाइम मिल गया। अब बताओ नालायक, क्या हर जर्नी का डिस्टेंस सेम है क्या? ना सर जी। हर जर्नी का टाइम सेम है क्या? ना सर जी। तो क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। छिल मार के बेटा, जीपा कह रहे इस क्वेश्चन में हर एक जर्नी का डिस्टेंस दिया था और हर एक का आपको स्पीड दिया था। डिस्टेंस स्पीड से पहले क्या टाइम निकाला? एक बार टाइम आपको मिल गया, फिर हमको पता चला अरे डिस्टेंस भी सेम नहीं है और टाइम भी सेम नहीं है। तो हाउ टू फाइंड हार्मोनिक, हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इतना मैंने बता दिया कि आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। बच्चे बता रहे सर आंसर 31.5 आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सुपर फास्ट बच्चे, सुपर बच्चे, फास्ट बच्चे, कर पाएंगे ट्राई बेटा जी। आप सब लोगों को अभी एप्लीकेशन ऑफ एएम जीएम एचएम में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जाम में तोड़ पाओगे बच्चे, आप लोग तोड़ पाओगे एग्जाम में। इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एम जी एम एंड एच एम। अब एक काम करेंगे, फटाफट सब नालायक इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे पहले और ये सभी चीजें नोटबुक में लिखने का पहले बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट मोबाइल में नहीं चाहिए, आपके नोटबुक लिखाना चाहिए बेटा, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आपका नोटबुक कंप्लीट होगा तो ही आप रिवाइज कर पाओगे। देखो शॉर्टकट अभी इजी लगता है बेटा, समझा गया बेटा, लेकिन एग्जाम से पहले आपका रिवीजन के लिए आपका नोटबुक पूरा होना चाहिए, नोटबुक पूरा चाहिए बेटा जी आपको। ठीक है, चलो बेटा इसका फोटो निकाला, अब इसका फोटो निकालिए, इसका निकाले फोटो, इस क्वेश्चन का निकाले फोटो और इसका भी निकालिए फोटो। नाला क्लियर है? चले तो यहां पे बच्चों देखा, अभी सुनो, लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, लेक्चर भी खत्म नहीं, लेक्चर भी खत्म नहीं हुआ, सुनो। अब मैं अगला पार्ट पढ़ाने से पहले बेटा एक चीज बताना चाहूंगा अपने को, क्या सुनो बेटा, आज का टास्क सबसे पहले होमवर्क दे रहा आज का बेटा। देखो बच्चों क्वेश्चन 1-2 बेटा 49 क्वेश्चन बच्चों बेटा जी, क्वेश्चन बच्चों देखो, क्वेश्चन बच्चों देखो, क्वेश्चन बच्चों देखो 1-49 ये किसके थे? ए एम जी एम एच एम मीडियन मोड के क्वेश्चन थे बेटा जी 1-49। ओके बेटा, इसमें से देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन करवा के दिए बेटा जी। ए एम जी एम एच एम मीडियन मोड कैसे निकाला मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको आज का बच्चों होमवर्क दे रहा, आज का बच्चों होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16, 1 से लेकर 16 क्वेश्चन बेटा, 1 से लेकर 16 और क्वेश्चन 29 और 30, क्वेश्चन बेटा 1 से लेकर 16
और क्वेश्चन 20 रन और 30। ये 18 क्वेश्चन बच्चों होमवर्क के लिए, सब बेटा बेसिक क्वेश्चन बेटा, सब बच्चों बेसिक बेटा ऑप्शन है। ओके सब बच्चों बेसिक बेटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों एक से लेकर बेटा 16 और क्वेश्चन बच्चों 29 और 30 बेटा जी। ओके ये सभी बच्चों बेसिक बेटा क्वेश्चन है हमने बेटा जी। ओके ये सब हमने पढ़ा है बेटा जी, हमने सब बेटा पढ़ा है, ये आपके होमवर्क है। और पहले बताऊं अलग, ये इस क्वेश्चन का डायरेक्टली बेटा जी मंडे को, डायरेक्ट बच्चों मंडे को मैं सिर्फ बच्चों मंडे को इसके ऑप्शन डिस्कस करूंगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है बेटा जी, आप डायरेक्ट बच्चों टेलीग्राम बेटा ग्रुप पे, टेलीग्राम बच्चों ग्रुप पे बेटा जी इसको आप चेक करेंगे, आंसर डिस्कस करेंगे, पहले बता रहा हूं। ठीक है हर्षा सर मजे ले रहे, सब पढ़ने दे बेचारे बच्चों को सर। 1 to 16 और 29 और 30 ये बेटा 18 क्वेश्चन होमवर्क के नालायक, ये पक्का करने का है। ठीक है ना। अब बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बेटा जी हमको करना है, अब बेटा जी हमको बेटा करना है थ्योरी, फॉर्मूले क्वेश्चन हो चुके, प्रॉपर्टी क्वेश्चन बेटा हो चुके, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरी तो बनता है बच्चा लोग, राइट सुनो। अब हम पढ़ेंगे इन सबकी थ्योरी, अपन लोग पढ़ेंगे थ्योरी के लिए बच्चों। एक मैं डायरेक्ट बच्चों टेबल बताऊंगा, उस टेबल से सारी के सारी थ्योरी बेटा जी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी उस टेबल से। अब देखो ये बेटा आपका आईएमपी चार्ट है बच्चों, आईएमपी चार्ट है बेटा जी, इस आईएमपी चार्ट से, इस आईएमपी बच्चों चार्ट से आपकी सारी की सारी थ्योरी अच्छे से बच्चे कवर हो जाएगी। चलो बेटा जी बच्चों एक ही चार्ट में मैंने सारी थ्योरी बच्चे समराइज की, अब फोकस करेंगे सब लोग। ओके अब बच्चों हम डिफरेंस पढ़ेंगे एएम जीएम एचएम मीडियन मोड के सारी थ्योरी का बेटा जी। ओके सब बच्चे नालायक फोकस करेंगे फटाफट, सब बच्चे रेडी है। अरे कोई अगर पूछेगा, अगर जिंदगी में कभी किसी ने आपको पूछा अरे भैया सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेथड कौन सा है और सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, मुझे बताओ आपको क्या लगता है बच्चा लोग, सेंट्रल बच्चों टेंडेंसी का बच्चों बेस्ट बेटा मेथड कौन सा बच्चों, बेस्ट मेथड इज अरिथमेटिक मीन, कौन है अरिथमेटिक मीन है, ऐसा बच्चों कहा जाता है बेस्ट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन। और कोई पूछेगा मोस्ट पॉपुलर, सबका चहिता कौन है, सर मोस्ट पॉपुलर मोड है, बेस्ट कौन है अरिथमेटिक मीन है, बेस्ट कौन है अरिथमेटिक मीन है, बट सबसे पॉपुलर सबसे चहिता कौन है बेटा जी मोड़े, बेस्ट कौन है बच्चों अरिथमेटिक मीन है, पर मोस्ट पॉपुलर सबका चहिता कौन है बेटा मोड़े। ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों कंसेप्ट बनता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या, ऐसी कौन सी चीज है जिसको निकालने के लिए सभी नंबर यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों मेरे पास कुछ नंबर है 1 2 3 4 4 5 6 नंबर है मेरे पास, अरिथमेटिक मीन क्या करेगा, अरिथमेटिक मीन के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, क्या अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए सभी नंबर यूज करेंगे, हाँ सर। ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबको मल्टीप्लाई करते रहे बाबा, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए सभी नंबर लगते हैं। हार्मोनिक मीन के लिए 1/x सबको उल्टा करना पड़ता है, तो एम जी एम एच एम में हमें सभी नंबर यूज करने पड़ते हैं, एम जी एम एच एम में हमें सभी नंबर यूज करने पड़ते हैं। पर मीडियन के लिए क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू, मीडियन को ना फर्स्ट से मतलब है ना लास्ट से मतलब है, सिर्फ किससे मतलब है, मिडल से मतलब है, तो मीडियन सभी नंबर का इस्तेमाल नहीं करता है। मोड का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मोड को बाकी नंबर से मतलब नहीं है, मोड क्या बोलता है बाकी नंबर के भाड़ में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी से हमको मतलब है। तो कहने का मतलब क्या है, एएम जीएम एचएम निकालते वक्त हम सभी नंबर का इस्तेमाल करते तो दे आर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, बट मीडियन और मोड निकालते वक्त हम सिलेक्टिव नंबर का इस्तेमाल करते, सो दे आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। समझा क्या, मैं दोबारा बता रहा हूं, एएम जीएम एचएम निकालते वक्त हम सभी नंबर का इस्तेमाल करते, सो दे आर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, बट मीडियन और मोड निकालते वक्त हम सभी नंबर का इस्तेमाल नहीं करते, सो दे आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन।
कोई तकलीफ बेटा इसमें अपने को, एकदम आराम से चिल मार के। अगला बेटा कंसेप्ट है वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कंबाइंड का फॉर्मूला। क्या कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है क्या? हाँ होता है सर। क्या कंबाइंड हार्मोनिक भवन होता है क्या? होता है सर। क्या कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन होता है क्या? नहीं पता, बट मुझे पता है ये होता है, होता है, होता है, होता है, मैं बता रहा हूं होता है। तो अगर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है, कंबाइंड जीएम होता है, कंबाइंड एचएम होता है, तो एएम जीएम एचएम हैव मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, बट कंबाइंड मीडियन और कंबाइंड मोड नाम की कोई चीजें नहीं होती। तो बच्चों मैथमेटिक किसके लिए होते हैं बच्चों? ए एम जी एम एच एम हैव मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, बट मीडियन एंड मोड डू नॉट हैव मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। अगली थ्योरी बस याद रखना, दिमाग मत लगाना, सैंपलिंग से अफेक्ट कौन होता है? याद रखिए बच्चों, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द सैंपलिंग, और मीडियन को सैंपलिंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अर्थमेटिक मीन को सैंपलिंग से बहुत फर्क पड़ता है बेटा, बहुत डरता है वो। मीडियन बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। यार मुझे बताओ ये सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड जीएमएचएम में क्या लगता है सबसे इजी निकालना है? सबसे इजी निकालना कौन है? मोस्ट इजीएस्ट मेथड कौन है? मोड। मोड क्या बोलता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है। मोड में क्या है? देख के बताएंगे रे, तो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड है बेटा जी। विश्वास मेरे भाई, कंबाइंड ज्योमेट्रिक भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बेटा, बस होता याद रखना बेटा, टेंशन मत लो। जो है मैं बताऊंगा, जो नहीं मत करना बेटा, टेंशन मत लो बेटा जी, बस मैंने नॉलेज के लिए बताया बेटा, राइट ना। सबसे इजी कौन है? मोड। देख के बताएंगे रे जी, ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ये मोड है, खत्म हो गया। सबसे टफ कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकल याद है क्या? रूट का टर्म 12 बार दबाने का, फिर माइनस वन करो, इनटू करो, प्लस वन करो, कितना जिंदगी में तकलीफ बेटा जी। तो मोस्ट इजी मेथड कौन है? मोड है। और मोस्ट डिफिकल्ट कौन है? ज्योमेट्रिक मीन है। मोस्ट इजी कौन है बेटा? मोड है। और मोस्ट डिफिकल्ट क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपन एंड क्लास के लिए। अब ये ओपन एंड क्लास क्या होता है दिमाग मतलब बेटा, याद रखिए बेटा, ओपन एंड क्लास के लिए सबसे बेस क्या होता है? मीडियन। ओपन एंड क्लास के लिए सबसे बेस क्या होता है? मीडियन। समटाइम्स मोड कैन बी कैलकुलेट। जब भी एग्जाम्पल लेंगे ओपन एंड क्लास के लिए बेस्ट कौन है तो क्या बोले? मीडियन। ओके, और आपको पता है मोड कभी कभी निकाल नहीं सकते बेटा जी। मोड का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब बताओ मेरे पास अगर ये नंबर है 1 2 3 4, बोलो मोड कौन है? बोलो 1 2 3 4 का मोड क्या आएगा? कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई रिपीटिश नहीं हो रहा है तो मोड आएगा नहीं बेटा जी। तो मोड कभी कभी नहीं आता है, मोड कभी कभी डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, थ्री बच्चों क्लियर है? चलो एक बार बात करते हैं। बोलो सबसे बेस्ट कौन है? अर्थमेटिक मीन। सबसे चहिता पॉपुलर कौन है? मोड है। सभी नंबर पे डिपेंड कौन करता है? ए एम जी एम एच एम। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसको होती है? ए एम जी एम एच एम को होती है। सैम्पलिंग से फर्क किसको पड़ता है? अर्थमेटिक मीन को। किसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है? मीडियन को। सबसे ईजी क्या होता है? मोड। टफ क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। ओपन एंड के लिए बेस्ट क्या है? मीडियन। कभी कभी मोड निकलता है। और क्या कभी कभी आता नहीं बेटा जी? मोड कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द बेसिक थ्योरी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसी थ्योरी के ऊपर हमारे थ्योरी क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। ओके, चलो बच्चे काम करते हैं। बेटा मुझे बताओ ये थ्योरी क्वेश्चन आप कर पाएंगे? चलेगा ये 1 2 कितने बेटा जी? 1 2 30 बेटा थ्योरी क्वेश्चन। ये कितने? 30 थे बेटा जी। इसी चार पे डिपेंड करें बच्चों ये थ्योरी क्वेश्चन करने। और इसके आंसर बेटा जी मैं मंडे को डिस्कस करूंगा, डिस्कस मतलब बताऊंगा जो भी आंसर आएगा बेटा जी। तो आज टास्क मैंने क्या बताया? प्रैक्टिकल में से कितने क्वेश्चन बच्चों? प्रैक्टिकल में से आई थिंक कुछ तो 18-19 क्वेश्चन प्रैक्टिकल में से, और थ्योरी में से ये 1 2 30 थ्योरी क्वेश्चन है। ये ट्राई करें बेटा जी, ये टास्क है। इतना कीजिए आपका चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ओके, इसके बाद बेटा जी, इसके बाद आपको जिस बुक से पढ़ना आप पढ़ लो बेटा जी, आपका चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा।
बेटा इसका बेटा पीडीएफ, ये पीडीएफ फाइल बेटा मैं ग्रुप पे टेंशन मत शेयर करता हूँ बेटा, ये जो पीडीएफ फाइल है शेयर टेलीग्राम ग्रुप बेटा शेयर करता हूँ, ठीक है पक्का शेयर करो टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। चलो तो आज कल वही रुकते नालायक, मजा आया क्या आप लोगों को, अच्छा लगा क्या आपको बेटा मैथ्स में कॉन्फ्रेंस बेटा आ रहा होगा तो जरूर बेटा फीडबैक शेयर कीजिए बेटा। मेरा जो टेलीग्राम मेरा जो इंस्टा का बेटा आईडी है राज अंडरस्कोर बेटा आउट है, आप इंस्टा पर जो फॉलो कर सकते हो राज अंडरस्कोर फॉलो बेटा कीजिए और डेफिनेटली शेयर योर फीडबैक, अच्छा लगा बुरा लगा सब बोलने का भाई, अच्छा लगा तो बोलने का मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा, बुरा लगा तो भी पढ़ बताओ मैं इंप्रूव करूंगा बच्चा, चलो इंप्रूव करूंगा। साइली जी सैम्पलिंग बेटा अपना नहीं पार्ट नहीं, मत करो मत करो मत करो बेटा जी, वो ओल्ड सिलेबस का पार्ट था सीपीटी में था बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो, मजा आया बेटा क्या बात है। कैलसी ट्रिक का भी लेक्चर का लिंक भेजता हूँ हर्ष, पक्का भेजता बेटा पक्का भेजता हूँ, ठीक है। चलो नालायक अभी मस्त अच्छे से खाना खा लो और कल मस्त बेटा रिविजन करो, मस्त रिविजन करना अच्छे से, कल होमवर्क भी सॉल्व करना, ओके चलो टाटा बाय बाय टेक केयर। यस बेटा कैलसी ट्रिक का लिंक भी शेयर करूंगा कल लेक्चर, कल संडे बेटा कल संडे एंजॉय करो, कल संडे एंजॉय करो, मंडे को मिलेगा मंडे को मिलेंगे आप लोग, ठीक है ना। और मंडे से हम लोग ऐप पे मिलेंगे, मंडे से यूट्यूब लेक्चर बंद मैथ्स के, ये मैथ्स का यूट्यूब का लास्ट लेक्चर था, ठीक है। चले टाटा बाय बाय टेक केयर गुड नाइट शबा खेर। यस बच्चे ये लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड होगा बेटा मंडे से सेम टाइम 6:30 टाइमिंग बेटा, अपना 6:30 का टाइमिंग है, 6:30 का टाइमिंग है, मंडे से मिलेंगे। यस कॉन्फ्रेंस बढ़ा है, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ बेटा जी, बस यही चाहिए बेटा कॉन्फ्रेंस बढ़ना चाहिए अपना, और मैं आपके साथ हूँ।